पुरानी समस्याओं ने, पुराने संघर्षों ने, पुरानी परेशानियों ने, पुराने नुकसान ने तुम्हारे मन में प्रभाव डाला होगा। आप सोचते होंगे, क्या अब मैं अपनी जिंदगी में एक आशीष देख पाऊंगा? इस दुष्ट बीमारी ने मुझे बहुत ही परेशान किया है, इस बीमारी ने मुझे बहुत ही वेदना दी है, ऐसा सोचकर आप मायूस हो रहे होंगे। आपके रोगों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले उन्होंने क्रूस पर घावों को सहा, वो और कुछ नहीं, बस आप पर का उनका प्रेम था। अब मैं जीकर क्या करूंगा, मर जाना तो ही अच्छा है, ऐसा विचार आपको आ रहे हैं क्या? यीशु आज आपको ही ढूंढ कर आए हैं, आपके लिए एक अद्भुत कार्य करने के लिए वो आए हैं। सब खत्म हो चुका ऐसा सोचने वाले आपको एक नई शुरुआत देने के लिए वो सामर्थ्यशाली हैं। प्यारे प्रभु के लोगों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम के सीधे प्रसारण से जुड़े आप सभी लोगों को यीशु छुड़ाता है इस सेवकाई की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करने में हमें खुशी हो रही है। हमारा प्रभु परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, वह आपके लिए आश्चर्यक्रम करना चाहता है, वह आपके आंसुओं को पोंछ देना चाहता है। इसीलिए आज के दिन परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करके आपके शोक को आनंद में बदल देगा। आपको सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना है, उन पर विश्वास कीजिए, शक मत कीजिए। विश्वास के साथ परमेश्वर आज मेरे लिए एक आश्चर्य कर्म कीजिए, ऐसा मांगे। परमेश्वर आपके साथ बात करेंगे, आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे और आपके सारे दुखों को भरपूर आनंद में बदल देंगे। जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच मैं होता हूँ, ऐसा तूने कहा है। वचन ना बदलने वाला परमेश्वर है हमारा, उनकी उपस्थिति आप महसूस कर पाओगे, उनके स्पर्श को आप महसूस कर पाओगे। इसलिए प्रभु आपको कभी भी स्पर्श कर सकते हैं, आराधना के समय, गवाही के समय, उपदेश के समय, प्रार्थना के समय, किसी भी समय प्रभु आपको छू सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में उनके लिए इंतजार कीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। अब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु की ओर हम देखने वाले हैं। हे हमारे प्यारे परमेश्वर, खुशी से भरे इस समय के लिए दिल की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद तेरे चरणों पर। प्रभु, हम जानते हैं तू तेरे बच्चों से कितना प्यार करता है। अपने बच्चों के जीवन में आश्चर्यकर्म करने के लिए, यह अद्भुत पर्व कार्यक्रम चलाने के लिए तूने मार्गदर्शन किया है, उसके लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तेरे बच्चे तेरे आश्चर्यक्रम के लिए इंतजार कर रहे हैं। तेरे बच्चे जहां कहीं पर भी हों, वहां परमेश्वर की उपस्थिति उतर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हरेक घर पर उतर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। हरेक के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी के मनों को, सभी के विचारों को तेरे लहू से ढांप कर हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम अपने आप को सौंपते हैं। परमेश्वर, हरेक की अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, इस अद्भुत पर्व के कार्यक्रम के शुरू से लेकर अंत तक तेरी अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गीत आराधना का समय हम सौंपते हैं, गवाही का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु के संदेश को तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करने का समय, हर समय को पवित्र आत्मा अपने हाथों में ले ले। प्रभु, तो ऐसा करने जा रहा है, उसके लिए धन्यवाद। तेरे नाम की महिमा होने जा रही है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तू ही अगुवाई कर और तेरे लोगों को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, अच्छे पिता, आमीन। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा, बड़े कार्य को करेगा। आप बिल्कुल खुश रहिए। अब परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गाएंगे। अब प्रभु के सेवक हमारे बीच यहाँ पर आकर
प्रभु की स्तुति गीत गाएंगे, उनके साथ मिलकर आप भी तालियां बजाकर गीत में सहभागी बनिएगा। गीतों के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बोलता है, गीत के समय में भी आश्चर्यक्रम होते हैं। अपने अद्भुत कार्य का इंतजार कीजिए और इस गीत को गाकर प्रभु की स्तुति कीजिए। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस टीवी के कार्यक्रम के जरिए आपका जीवन में एक नया एक मोड़ आने वाली, जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपके सारे जीवन की सारे दुखों को जो है बदलने वाला है। मेरे साथ मिलके कुछ गीतों को हम लोग गाएंगे, जहाँ परमेश्वर की स्तुति होती है, जहाँ परमेश्वर की आराधना होती है, वहाँ आपकी सारी बीमारियों को परमेश्वर दूर कर सकता है, आपके तकलीफों को परमेश्वर दूर कर सकता है। आज हम मिलके कुछ गीतों को गाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ आपका इसी समय में आपके सारे बीमारियों को दुखों को इसी गीत गाने के वक्त में परमेश्वर दूर करेगा। इस गीत का बोल है, राजा यीशु आया है। जी हाँ, वो दुनिया का राजा, वो सृजनहार परमेश्वर। राजा यीशु आए, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। इस गीत को सुनते ही मन से लगता है आपका जीवन में थोड़ा थोड़ा भी आशा आ रही है। जी हाँ, यीशु आया है, तू मांगने से वो सुनेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी कटी को पूरी करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी कटी को पूरी करेगा। मन से बुलाने वालों को दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों को दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। आमेन। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में काबिल है, पास तेरे रहता है। जी हाँ, आपका पास वो आया है, करुणा का दया का सहारा है। करुणा में अव्वल है, काबिल में काबिल है, करुणा में अव्वल है, काबिल में काबिल है। पास तेरे रहता है, हो तू ही पास आ, पास तेरे रहता है, हो तू ही पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं,
सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। जी हाँ, यीशु आपका आंसू को पोंछने वाला है, आपके सारे डरों को दूर करने वाला है, दिल की सारे हसरत को आज परमेश्वर दूर करने वाला है। आंसुओं को पोछेगा, हाथों को तामेगा, आंसुओं को पोछेगा, हाथों को तामेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। सब लोग खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, राजा यीशु आएंगे, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। आमेन। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। जी हाँ, यीशु राजा आया है, आपके सारे दुखों को और सारे बोझों को परमेश्वर दूर करने वाला। जी हाँ, परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत को हम लोग सब गाएंगे। मेरे प्रियो, आप जो है इस टीवी प्रोग्राम के सामने आप बैठे हैं, आप टीवी के सामने बहुत निराश के साथ बैठे हैं, आज मैं कहता हूँ यीशु मसीह आपके सारे दुखों को दूर करने वाला। आइए हम सब मिलकर गीत का और एक गीत को गाएंगे। मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। वो मुझे बचाने आया, जी हाँ, मेरे गुनाहों को धोने के लिए, मेरे अपराधों को क्षमा करने के लिए, स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़ कर जगत में आया मुझे बचाने को, तो छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराश में था, तूने मुझे आशा दी। आपके जीवन में आज आशा नहीं है, यीशु आशा देने वाला है। बजा के गाएंगे, जब मैं निराशा में था,
मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सब सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। प्रभु यीशु बचाने आया है आपको और मुझको, ये सारे लोगों को, दुनिया की पापियों को बचाने के लिए जगत में आया। मैं अपना जीवन को देता हूं। प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सब लोग सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। जी हाँ, अनादि परमेश्वर सामर्थ और जीवन है तू। ताली बजा के गाएंगे। अनादि परमेश्वर सामर्थ और जीवन है तू। अमर अनादि परमेश्वर आनंद जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सब लोग सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जी हाँ मेरे प्यारों, परमेश्वर आपके आंसू को, आपके तकलीफों को, जो बाहर नहीं बोल पाते, कर्जा सी बोझ से दबे हुए हैं और काम नहीं है, आमदनी के लिए कुछ भी रास्ता नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर कहता है ये सारी बातों को बदलने का वक्त
चले आया, प्रभु आपको आशीष देने पाए। एक है जो आपसे बहुत प्यार करता है, उसने आपका चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है, मेरे लिए आश्चर्य क्रम करने वाला कोई नहीं है, सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। क्या ऐसी आपकी चिंता है? चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपको सदा स्मरण करने वाला एक परमेश्वर है, चाहे सब साथ छोड़ दें, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आज आपके लिए एक अद्भुत कार्य करके परमेश्वर आपको खुशहाल रखेगा। यीशु जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं उसकी गवाही देते हुए हमारे सामने कितने सारे लोग आते हैं हर एक कार्यक्रम में। तो आइए प्रार्थना करें। इस कार्यक्रम में भी कई लोग अपनी गवाही देते हैं, भाई हमें बताते हैं, इनकी गवाहियों के कारण हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। आज भी हमारे विश्वास में वृद्धि पाने के लिए 4 लोगों की गवाही हम प्रसारित करने जा रहे हैं। ध्यान देकर इन गवाहियों को आप लोग सुनिएगा। इन गवाहियों के द्वारा प्रभु जरूर आपसे बातें करेंगे। दो स्थान में हुए छुटकारे के कार्यक्रमों में जो गवाही दी गई है हम प्रसारित कर रहे हैं। सबसे पहले हम 2 गवाहियों को आपके सामने ला रहे हैं। बात है सन 2011 की। श्रीलंका देश में आयोजित छुटकारे के एक महोत्सव में यीशु द्वारा किया गया अद्भुत कार्य अब आप सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बहन, श्रीलंका देश में जब युद्ध के दिन समाप्त हुए थे तब सबसे पहले छुटकारे का महोत्सव सिंगलड़ी नाम के एक शहर में हुआ था। हजारों हजार लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए, बहुत लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया। आज भी हमारी आंखों के सामने वो सभी आश्चर्यक्रम बार बार आ रहे हैं। जो लंगड़े थे वो चलने लगे, व्हीलचेयर से लोग उठकर दौड़ने लगे, वो दृश्य आज भी हम भूल नहीं पाते। उस समय कईयों ने गवाहियां दी और यीशु के नाम की महिमा की। उसमें से 2 गवाहियों को आज आपके सामने पेश किया जा रहा है। सबसे पहले एक बहन जिनका नाम है दर्शिनी, उनको एक घोर कैंसर की बीमारी ने जकड़ लिया था। उन्होंने उस सभा में भाग लिया, परमेश्वर ने अद्भुत रूप से उन्हें चंगाई दी और एक गवाह बनाया। तो उस बहन की जुबानी उनकी गवाही आप जरूर सुनिएगा। इस गवाही के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी घोर बीमारियों में जकड़े हुए हैं, आपके लिए प्रभु आश्चर्य कर्म करेंगे। अब हम उस गवाही को देखने जा रहे हैं। मेरा नाम दर्शिनी है। मैं श्रीलंका के मटाकाला जिले के कलंगनी गांव में रहती हूँ। मेरा विवाह हो चुका है, मेरे पति नौकरी पर जाते हैं और मेरा एक बेटा है। मेरे परिवार में से कोई भी यीशु को नहीं जानता था। जब मेरी उम्र 14 ही थी तब मेरी छाती के भाग में एक गांठ आई और जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे वो गांठ भी बड़ी होने लगी थी। और वो गांठ भी ऐसी थी कि स्पर्श करने पर काफी तकलीफ होती थी। और देखिए, एक दिन मैं प्रातःकाल उठी और मुझे खून की उल्टियां होने लगी और ब्लड वोमिटिंग की वजह से मैं बहुत डर गई थी कि मुझे ऐसा क्या हुआ है। और जब मैं 16 साल की हुई तब ये बीमारी और भी बढ़ गई। गुजरते दिनों के साथ साथ मुझे ब्लड वोमिटिंग भी ज्यादा से ज्यादा होने लगी। बीमारी को बढ़ता हुआ देखकर मैं काफी डर गई थी और इसीलिए अपनी बहन के साथ मैं एक दिन अस्पताल गई। जब हम अस्पताल पहुंचे तो वहां पर एक लेडी डॉक्टर थी जो सिंगलिस्ट थी। उन्होंने मेरा टेस्ट किया और टेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी बीमारी है वो कैंसर से जुड़ी हुई एक बीमारी है। कैंसर का नाम सुनते ही मैं बहुत रोने लगी, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे जब मैंने वो शब्द सुना। और उस बीमारी का नाम सुनते ही मैं बहुत डर गई और उस बीमारी के कारण मैं काम पर भी नहीं जाती थी। डॉक्टरों ने भी साथ छोड़ दिया था। डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारा जो कैंसर है वो बहुत ज्यादा हो गया है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप भी ज्यादा कोशिश मत कीजिएगा, ये आपका कैंसर लास्ट स्टेज का है। ऐसी मरण अवस्था में मैं जब रो रही थी उसी समय सन 2011 में सिंगलड़ी में हुए भाई मोहन सिंह लासरस द्वारा आयोजित सुसमाचार के सभा के ट्रैक गांव में बांटे जा रहे थे और तब
मेरी एक रिश्तेदार ने आकर मुझसे कहा कि मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ, और बड़ी तकलीफ के साथ ही हम वहाँ पहुँच पाए। मेरे हाथ पकड़कर उस सभा में मुझे ले जाकर खड़ा किया गया, और वहाँ पर मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बहुत कमजोरी थी। पर जो भी उपदेश उस जगह पर दी, उसने मेरे हृदय को छू लिया। और उसी समय एक ऐसा भी वक्त आया, भाई मोहन सी लासरस, उन्होंने कहा आप लोगों को जो कोई भी बीमारियां हो तो उस जगह पर अपने हाथ रखकर आप सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा। तब मैं अपनी बीमारी पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं कर पाई, तब मेरे रिश्तेदार ने ही मुझ पर हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना की। कैंसर की गांठ मिट जाए यीशु के नाम में, ब्लड कैंसर दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, छाती के भागों में के सारे कैंसर मिट जाए। जैसे ही भाई ने प्रार्थना करना शुरू किया, जैसे ही वो प्रार्थना करते जा रहे थे, तो मेरे अंदर से तूफान सा उठ रहा था और उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। तब मैं जमीन पर गिर गई थी और वहीं पर लेटी थी, और जिस समय मैं वहां से उठी तो मैंने देखा कि वो गांठ गायब हो चुकी है। मैं जान नहीं पाई कि वो गांठ कहां चली गई। मैंने संपूर्ण चंगाई का अनुभव किया। मैं बस रो रही थी। सब लोग घर लौट रहे थे, पर मैं उसी जगह घुटनों पर आकर रोती जा रही थी और कहा कि प्रभु आपने मुझे चंगाई दी, छुटकारा दिया। डॉक्टरों ने भी कहा था कि मैं अब जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, पर डॉक्टरों के आगे भी प्रभु परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया है। इस नए जीवन को मुझे परमेश्वर ने दिया है, और इसीलिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। कितने अद्भुत परमेश्वर है। देखिए, उस बहन से कई सालों के बाद मैं मिला था और उनसे मैंने उस अद्भुत कार्य के बारे में जाना भी। बड़े आश्चर्यचकित होकर उन्होंने बताया, जब मैं उस सभा में आई तब मुझे याद है कि कुछ लोगों ने मुझे उठाकर वहां पहुंचाया था, पर जैसे ही वो सभा समाप्त हुई मैं अपने आप से उठी, चली, बस में जाकर बैठ गई और मैंने पूरी चंगाई पा ली थी। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत मेरे जीवन में किया। मैंने पूर्ण रूप से चंगाई पाई, बस एक ही क्षण में चंगाई। परमेश्वर ने उन्हें आनंद से भर दिया। उसी सभा में हुई और एक घटना के बारे में हम आपको बताएंगे, और उस बहन का नाम भी दर्शनी है। श्रीलंका में आप देख सकते हैं कि इस नाम की बहुत सारी बहनें हैं। वो बहन आपको बताएंगी कि उनके जीवन में क्या हुआ, उनकी गवाही को वो अब हमें बताएंगी, और वो भी उसी शहर से हैं जिस शहर को हमने पहली गवाही में देखा। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, एक ही शहर से एक ही नाम की दो बहनों ने एक ही सभा में आश्चर्यक्रम पाया। तो अब हम उस दूसरी बहन दर्शनी की गवाही सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपसे बातें करेंगे। मेरा नाम है दर्शिनी और मैं श्रीलंका के मटककाला जिले के कायगिनेनी गांव में रहती हूँ। मेरे पति का नाम है डिक्सन, वो एक दुकान पर काम करते हैं। सन 2004 में हमारा विवाह हुआ था, परंतु उसके बाद 7 साल तक हमारी कोई संतान नहीं हो पा रही थी। और जब भी मैं दूसरी माँ को देखती कि वो अपने बच्चों को प्यार कर रही है, तो मेरे मन में बहुत दुख होता था। मैं रोती थी कि क्या मेरा बच्चा होगा कभी। मुझे बांझ कहा गया। बहुत सारे लोग तो मेरे सामने ही मुझे कहते थे कि अब तुझे कोई संतान नहीं होगी, अपमान करते थे वो मेरा, मुझे बांझ पुकार कर हंसा भी करते थे। मैंने बहुत ही निंदा और अपमान का सामना किया। सन 2012 में हमारे आसपास के लोगों ने कहा कि भाई मोहन सी लासरस यहाँ आकर सभा करने वाले हैं, आप लोग वहाँ पर जरूर जाइएगा, ऐसा कई लोगों ने हमसे कहा। तब सिंगलाड़ी में हुए उस सभा में हम गए। सभा में जब मैं प्रार्थना कर रही थी, भाई मोहन सी लासरस, उन्होंने कहा जिनके गर्भ में संतान नहीं हो रही है तो शरीर के उस भाग में हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। तब मैंने भी अपने पेट के भाग पर हाथ रखकर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर हम पर कृपा कर और बच्चे की आशीष दे। तब भाई मोहन सी लासरस ने भी हमारे लिए प्रार्थना की और कहा जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा है प्रभु उन्हें आशीष दे। तब मेरे मन में एक विश्वास जागा। जो लोग निसंतान हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, ऐसे स्त्रियों का गर्भ भरपूरी से आशीषित बन जाए, उन्हें संतान की आशीष मिले।
ठीक उसी समय मेरे अंदर एक उत्साह जागा। मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह मुझे अवश्य बच्चे की आशीष देंगे। हमारी प्रार्थना को हमारे परमेश्वर ने सुन लिया और मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ धारण करने पर मुझे बहुत ही खुशी हुई, मैं बयां नहीं कर पाऊंगी, इतनी खुशी थी। यीशु ने मुझे संतान की आशीष दी, इसे सोचकर मैं बहुत ही खुश हुई। मैंने वहां से तुरंत आकर अपने पति को इस बारे में बताया कि अब हमारा भी बच्चा होगा और आप अब पिता बनने जा रहे हो, और तब वो भी बहुत खुश हो गए और खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू छलक उठे। तब तक हम बहुत दुख में थे, वेदना में थे, परंतु साल 2013 में हमारी सोच से भी बढ़कर एक प्यारी बच्ची हमें परमेश्वर ने दी। हम सोच भी नहीं सकते इतनी खुशी प्रभु ने दी है। और मुझे माँ कहकर पुकारने के लिए यीशु ने हमें दो बच्चों को दिया है। इससे ज्यादा मैं और क्या मांग सकती हूँ। दिल की गहराई से उन्हें धन्यवाद। हालेलुया, कितनी खुशी की बात है। देखिए उस बहन की सामर्थ्यशाली गवाही, निंदा, अपमान, सिर झुकी हुई एक हालत, पर फिर भी वो परमेश्वर को ढूंढ कर आई। गवाही देने वाले दोनों ऐसे परिवार से थे जो प्रभु को नहीं जानते थे, मसीह नहीं थे वो, पर फिर भी प्रभु पर भरोसा रखकर उस सभा में आकर उन्होंने भाग लिया और यीशु मसीह ने उनका साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने आश्चर्यक्रम किया। आज उस बहन को दो बच्चों की आशीष दी गई। इस आश्चर्यक्रम का क्या कारण है? उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया। देखिए, गर्भवती होने से भी पहले ही उस सभा की समाप्ति पर अपने पति से उन्होंने कहा, परमेश्वर ने मुझे बच्चा दे दिया, आप पिता बन चुके। इस विश्वास को यीशु ने देखा। इन्हीं शब्दों का परमेश्वर ने आदर किया। प्यारे परमेश्वर के बच्चों, आप भी विश्वास के साथ बोलिए, आज ही, आज रात को ही, कुछ ही क्षणों में परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं, आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। दूसरी सभा में मिली तो गवाहियों को हम देखने जा रहे हैं। विल्लोर जिले में पेरनामपेट, वेल्लोर के पास ही पेरनामपेट नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां पर छुटकारे का महोत्सव हुआ था। भले ही वो एक छोटा सा गांव है, पर हम वहां गए, छोटा सा नगर है वो, लेकिन लगभग 40,000 लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और परमेश्वर ने उस सभा में बहुत ही सामर्थ्य के काम किए। तब वहां पर दो लोगों ने गवाही दी, तो अब हम देखेंगे। पहली गवाही है भाई भाग्यराज की, वो जो गवाही दे रहे हैं उसे आप सुनिएगा। परमेश्वर उसके द्वारा आपसे बातें करेंगे, प्रभु अद्भुत करेगा। मेरा नाम भाग्यराज है। शादी के बाद दो बच्चे हुए। 2009 में मेरी शादी हुई थी और 2010 में हमारी बेटी हुई। जब बच्ची का जन्म हुआ तब उसके दोनों पैर यहाँ कंधों पर थे और फिर उसके हाथ भी फंस गए थे। एक महीने तक मेरी बेटी आईसीयू में थी और फिर एक महीने के बाद लगभग 10 डॉक्टरों ने मिलकर निर्णय लिया कि बच्चे का पैर कैसे निकाले, सर्जरी चाहिए या नहीं, या फिर बिना सर्जरी के कुछ बात बन पाएगी या नहीं। फिर बिना सर्जरी के ही कोशिश की और फिर सीधे करके उसे बांध दिया। पर ऐसा करने के बाद देखिए, उसके पैर का जो तला है वो सीधे नहीं होता था। जब वो 3 साल की थी तब हम उसे CMC ले गए। उन्होंने पैर के तले का ऑपरेशन करने के लिए कहा, तो ऑपरेशन कर लिए। उसके बाद बच्चे को चलने का ट्रेनिंग देने के लिए हमने विचार किया, पर बस 2 कदम के बाद वो नीचे गिरती थी और कई बार चलने में असमर्थ वो नीचे गिर जाती थी। गिरने पर उसे चोट लगी और उसके लिए स्टिचेस लगे यहाँ माथे पर। तो ऐसी बच्ची को मैं जब लेकर जाता था, लेकर आता था, तब सगे संबंधी कहते थे कि ऐसे बच्चों के लिए एक स्कूल होता है, वहां पर जाकर इसे छोड़िएगा, वो ही सब कुछ संभाल लेंगे। वो सुनकर मैं बहुत रोया कि मेरी बच्ची के बारे में ऐसा बोलते हैं। मेरी बच्ची के ऊपर काफी ऑपरेशंस हुए पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हमसे हमारी बच्ची का दुख नहीं देखा जाता था। फिर हमारे चर्च में बताया गया कि नालूमाउड़ी से भाई मोहन सिंह लाजरस आ रहे हैं, 2 दिन छुटकारे का महोत्सव है, आप उस मीटिंग में जाइए, ऐसा कहा। पहले
पहले दिन की मीटिंग में हम गए और जब मीटिंग में भाई हर एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पैरों के लिए विशेष प्रार्थना की, जो लोग चल नहीं पाते यीशु मसीह के नाम में अभी चलने लग जाएं, पैरों में एक सामर्थ्य भर जाए। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके पैरों में उतर आ रहा है यीशु के नाम में आप छुटकारा पा रहे हो। प्रार्थना होते समय ही मेरी बच्ची खड़ी हो गई और जब वो खड़ी थी मैंने पलट कर देखा और उसे कहा कि नीचे बैठ जाओ नहीं तो तुम गिर जाओगी, तो चुपचाप बैठ जाओ बेटी, यहाँ पर तुम्हें ले आए हैं, पहले ही तुम्हारे सर पर चोट लगी है, बैठ जाओ। यहाँ पर भी अगर तुम नीचे गिरी तो लोग कुछ बोलेंगे, तो वो बोली कि मुझे गवाही देनी है, मैं अब चल पा रही हूँ पिताजी। ऐसा बोलकर वो मेरा हाथ पकड़कर ले गई। माँ बाप अपने बच्चों को ले आते हैं पर मेरी बच्ची मेरा हाथ पकड़कर ले गई। आप स्कूल जाती हो? हाँ। कौन सा स्टैंडर्ड? मैं यूकेजी में पढ़ती हूँ। अच्छा, आप यूकेजी में हो। आपने यीशु से प्रार्थना की थी? हाँ। और यीशु ने क्या किया? चलने के लिए बल दिया उन्होंने। पैरों में बल दिया, चल कर दिखाइए। क्या पहले भी ऐसे ही चलती थी? हाथ पकड़कर ही चलती थी। अच्छा, हाथ पकड़ना पड़ता था, हाथ छोड़ दो तो नीचे गिर जाती थी। अच्छा, अब उसने खुद ही कहा कि मुझे स्टेज पर जाकर गवाही देनी है। हालेलुया! यीशु ने इस छोटी सी बच्ची को छूकर चंगा किया है। देखिए, अगर हाथ छोड़ देती तो गिर जाती थी। यीशु ने चंगा किया है और ये बच्ची अपनी गवाही देने के लिए यहाँ पर आई है। खाना खाते समय मैं या उसकी माँ ही उसे खिलाया करते थे पर वो अब अपने हाथों से ही खाना खाती है। मैं जब घर लौटता हूँ तो पानी लेकर आती है। मेरी बेटी को ऐसा देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। प्रभु परमेश्वर ने मेरी बेटी को चलने के लिए बल दिया, उसके लिए धन्यवाद। तालियां बजाकर यीशु की स्तुति करेंगे। आपकी तालियों की गूंज यीशु को तो सुना दीजिए। कितना सामर्थ्यशाली परमेश्वर है वो। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लोगों ने भी अविश्वास भरी बातें की थीं, पर यीशु मसीह ने तुरंत ही चंगाई दे दी और एक गवाही बनाकर खड़ा किया। तो आखिर में एक और गवाही को हम देखने जा रहे हैं। उसी सभा में एक और भाई पॉल युवराज, उनके लिए प्रभु ने कितना बड़ा आश्चर्य क्रम किया, ये उन्हीं की जुबानी आप सुनिए। इसके द्वारा प्रभु आपसे बातें करेंगे। मेरा नाम है पॉल युवराज और मैं वेलूर में अमलूर गांव में रहता हूँ। बचपन से ही मुझे सुनाई नहीं देता था, बाया कान नहीं सुनाई देता था। दोस्त पास ही बैठकर मजाक उड़ाते, वो भी मुझे नहीं समझता। अगर बहुत ही करीब आकर कुछ जोर से बोलो तभी मुझे कुछ सुनाई देता था। स्कूल में जब टीचर सिखाती वो भी सुनाई नहीं देता और इसीलिए कभी कुछ समझता कभी कुछ नहीं समझता, बस किताब पढ़कर मैं जान लेता था। खासकर मेरे दोस्त जब मुझसे कुछ कहना चाहते थे मैं उन्हें नहीं समझ पाता, कुछ सुनाई नहीं देता था। मेरे भाई को बचपन से ही कम सुनाई देता था। जब हम खेलते थे मैं उसे पुकारती थी पर वो शांत ही बैठा रहता था। तब हमें नहीं पता था कि उसे अपने कानों से नहीं सुनाई देता, बस वो अकेले ही रहता था, ज्यादा किसी के साथ बातें नहीं किया करता था। इस समस्या का क्या समाधान होगा मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया। अगर मैं घर पर बताऊँ तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। मैं शांत रहा, एक कान तो सुनाई दे रहा है, ये सोचकर मैंने कहा एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लगभग 25 साल से मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, बहुत तकलीफ में था। तब मेरी बहन ने मुझे ये बताया कि पास ही के गांव में भाई मोहन सिंह लाजरस आ रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे? तब मैंने भी जाने की इच्छा जाहिर की, तो मैं अपने एक दोस्त के साथ उस सभा में गया था। तब भाई मोहन लाजरस अपनी ही गवाही को सुना रहे थे कि कैसे उनका हृदय पूरी तरह से खराब हो चुका था, और तो वो प्रभु को जानते भी नहीं थे, उन्हें बुलाया भी नहीं, पर उन्होंने मुझसे इतना प्रेम किया है, मेरे खराब हुए हृदय को एक नए हृदय में बदल दिया, ऐसी उन्होंने गवाही दी। भाई मोहन की गवाही सुनकर मेरे अंदर एक विश्वास जागा कि आज जो हम इस सभा में शामिल हुए हैं निश्चय परमेश्वर मुझे एक चंगाई देकर ही इस जगह से लौटाएंगे। और तभी भाई ने कहा कि जिस किसी के कान में समस्या है अपने कान में हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। ऐसा कहने पर मैंने भी प्रार्थना की और भाई ने भी प्रार्थना की, आंसुओं के साथ उन्होंने प्रार्थना की। मैंने कभी किसी को रोकर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए नहीं देखा था, पर भाई मोहन को इस तरह प्रार्थना करते हुए देखकर मेरे अंदर एक विश्वास जागा। मैंने निश्चय किया कि मैं किसी भी तरह चंगाई पाकर ही रहूंगा। उस निश्चय के साथ मैंने भाई के साथ मिलकर प्रार्थना की।
प्रार्थना करते समय ही मैंने महसूस किया कि एक प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है। मुझे सच नहीं लगा, पर आंख बंद करके जब मैंने प्रार्थना की तब जहां मैंने हाथ रखे थे ठीक उसी जगह वो प्रकाश मेरे कानों पर पड़ा। बस एक सेकंड के लिए पड़ा होगा और तुरंत मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर से कुछ बाहर निकला है। इस कान का बंधन छूट गया है और पूरी तरह से खुल गया और ठीक उसी क्षण से मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई देने लगा। सब क्लियर हो गया। उसके पहले तक लगता था कि सब कुछ बंद बंद सा है और कान के खुलते ही सब कुछ क्लियर सुनाई देने लगा। फिर मुझे भाई मोहन सिलासरस की आवाज और स्टेज से आने वाले सारे आवाज साफ साफ सुनाई देने लगे। उस एहसास से मैं काफी खुश हुआ। जो अद्भुत कार्य प्रभु ने भाई के लिए किया वो मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा सोचकर मेरे मन में काफी शांति आई। 25 साल से मेरे कान से जो मैं सुन नहीं पाया वो चंगाई प्रभु ने मुझे एक पल में ही दिया और आज मैं सब कुछ साफ साफ सुन पाता हूँ। जो बंधन थे वो सारे बंधन टूट गए। अब कोई धीरे से आवाज करता है तो भी मैं अच्छी तरह से सुन पाता हूँ। प्रभु ने सरकारी नौकरी भी दी है और प्रभु ने जो नौकरी दी है उसे अच्छी तरह से करता हूँ। ये चंगाई देकर आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद। 25 साल पुरानी उस समस्या को चुटकी बजाते ही यीशु ने दूर कर दिया। कितने ही सालों की समस्याओं के साथ आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, चुटकी बजाते ही यीशु आपके लिए अद्भुत करेंगे। क्या उस भाई के कहे शब्द पर आपने गौर किया? निश्चय ही प्रभु आज मेरे लिए चमत्कार करेंगे, मैं भी यहाँ से चंगाई पाकर जाऊंगा, ऐसे विश्वास के साथ उसने कहा। परमेश्वर ने उसका आदर किया। आप भी विश्वास के साथ बातें कीजिए, प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। और अब हमारे प्यारे भाई आपके लिए संदेश लेकर आएंगे। मेरे प्रिय जनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अद्भुत पर्व नाम की इस सभा में, इस त्योहार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चाहे आप किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी स्थान पर बैठकर इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हो, यीशु बस आपके पास हैं, बिल्कुल आपके साथ। जानते हो क्यों? आपके लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए। यीशु अद्भुत प्रभु हैं। जब प्रभु यीशु इस भूमि पर थे तब वो जहां भी गए लोगों के लिए आश्चर्य कर्म किए। किसी के घर गए तो वहां पर आश्चर्य कर्म किया। पहाड़ी पर जब वो उपदेश दे रहे हों वहां पर लोग इकट्ठे हुए, वहां पर अद्भुत कार्य हुआ। यीशु जब समंदर किनारे गए वहां पर आश्चर्य कर्म हुआ। यीशु एक आराधना लेने गए वहां पर भी आश्चर्य कर्म किया। वो जहां भी जाते थे वहां पर लोगों के लिए चमत्कार किया। जानते हैं क्यों? उनके दुख को खुशी में बदलने के लिए, पीड़ा और समस्या से जूझ रहे लोगों को छुटकारा देने के लिए। वही यीशु आज के दिन आप जहां पर हैं वहां पर उपस्थित हैं। आपके लिए आज एक अद्भुत कार्य करके आपके दुख को खुशी में बदलने जा रहे हैं। आपने अच्छी गवाही सुनी, ये उनके अनुभव हैं। वो आज भी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उन्होंने यीशु से मिले अपने अनुभव को आपके सामने रखा है। तो आज वही यीशु मसीह आपके साथ बात करके आपके लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए आए हुए हैं। इसलिए आज आप विश्वास कीजिए कि आपके लिए भी एक आश्चर्य कर्म होगा। ठीक है, आपके लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। आपको जिस किसी कार्य में आश्चर्य कर्म की जरूरत है उसके लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। एक बात आप जान लीजिएगा, मैं जो उपदेश देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ मैं आपके लिए आश्चर्य कर्म नहीं कर पाऊंगा। मैं तो बस आपकी ही तरह एक साधारण मनुष्य हूँ, परंतु यीशु ही अद्भुत कार्य करेंगे। जिस यीशु के बारे में मैं आपको बताता हूँ वो आश्चर्य कर्म करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना सुनकर वो आश्चर्य कर्म करेंगे। आपने देखा और सुना इस गवाही को? क्या उनमें से किसी ने कहा कि मैंने उन पर हाथ रखकर प्रार्थना की है? नहीं, वो तो सभा में आए थे। उन्होंने सभा में यीशु को पुकारा, यीशु ने उन्हें छूकर चंगाई दी है। तो उस अद्भुत कार्य और मेरा कोई भी संबंध नहीं है। मैंने तो सिर्फ प्रार्थना ही की थी, पर चमत्कार यीशु ने किया। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। मोहन लाजरस हमारे लिए आश्चर्य कर्म करेंगे, हमारी समस्या को बदलेंगे, ऐसा अगर आप सोचते हो तो निराश हो जाओगे। वो मैं नहीं,
मैंने बताया हुआ यीशु है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि यीशु क्या कहते हैं। जब आप उन्हें पुकारेंगे तभी आश्चर्यकर्म होगा। जानते हैं प्रभु यीशु ने क्यों आश्चर्यकर्म किए? हमारे लिए आश्चर्यकर्म करने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दे दी। हमारे पाप, शाप, बीमारी, वेदनाएं, सब कुछ अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया। उस लहू में बहुत सामर्थ्य है। यीशु मसीह के लहू में बहुत शक्ति है। अब हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे, सामर्थ है, सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है। आप सब मिलकर गाइए, बस छोटा सा एक गीत गाएंगे, आप आसानी से सीख सकते हो। सामर्थ है, सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है। हिंदी और अंग्रेजी में अब हम गाएंगे। यीशु के बहाए लहू को याद करके हम सब इस गीत को गाने जा रहे हैं। है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु क्रिस्त के लहू में, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु क्रिस्त के लहू में। That is power, wonder working power in the blood of the Lamb. That is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. That is power, wonder working power in the blood of the Lamb. That is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी आंखों को बंद करके हम एक मिनट प्रार्थना करेंगे। यीशु हमारे साथ बात कीजिए, यीशु हमें स्पर्श कीजिए, यीशु आज हमारे लिए आश्चर्य कर्म कीजिए, यीशु आज हमें चंगाई दीजिए, यीशु आज हमें छुटकारा दीजिए। यीशु एक आश्चर्य कर्म के लिए आपके द्वार पर आए हैं पिता। आप लोग यीशु का नाम लीजिए, यीशु को पुकारिए, हे यीशु मुझसे बात कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, मेरे लिए अद्भुत कार्य कीजिए। बहुत से लोगों के लिए आपने अद्भुत कार्य किए हैं, उन्होंने खुश होकर अपनी गवाही दी है पिता, उनके दुखों को आपने बदला है पिता, मेरे भी सारे दुखों को आप खुशी में बदल दीजिए पिता, मेरे लिए आश्चर्य कर्म कीजिए, ऐसा बोलेंगे। हे प्यारे पिता, जो लोग भी यीशु का नाम लेकर प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे लिए आश्चर्य कर्म कीजिए, मेरी निंदाओं को बदलिए, मेरे दुखों को बदलिए, या जो कोई अपने छुटकारे के लिए मांग रहे हैं उनके साथ आप बात कीजिए पिता, आज आप उनके साथ बात कीजिए। ये सभी लोग तुझे ढूंढ कर आए हैं पिता, आपने इन्हीं लोगों के लिए ही तो क्रूस पर लहू बहाया था, इन्हीं लोगों के लिए ही तो आपने कोड़े की मार सही, इन्हीं लोगों के लिए ही तो आपने क्रूस पर कितनी पीड़ाओं को उठाया था। इन बच्चों के लिए आप अपने मरकर जी उठने को याद कीजिए, इन बच्चों के लिए जो तेरे शरीर पर कोड़े की मार पड़ी और घाव हुए उसे याद कीजिए, दुख और पीड़ा के साथ आकर बैठे हैं, समस्या के साथ आकर बैठे हैं पिता, ये सोच रहे हैं कि क्या प्रभु इन्हें छुटकारा नहीं देगा, क्या मैं एक छुटकारा नहीं पाऊंगा, क्या मेरी पीड़ा दूर नहीं होगी, क्या प्रभु मेरे दुखों को नहीं बदलेंगे। इसी इच्छा के साथ खड़े हैं पिता, इन बच्चों के साथ बात कीजिए, आप इनके साथ बात कीजिए, आज हर एक के लिए आप आश्चर्य कर्म करके इनके मन में खुशी भरिए, इनके आंसुओं को पोछिए, सभी के आंसुओं को पोछिए पिता, इनकी पीड़ाओं को आप बदलिए, जितना प्रेम तूने इन पर रखा है उसे प्रकट कीजिए, अपने सामर्थ्य को आज इन पर प्रकट कीजिए पिता, ऐसा आप करने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम को देख रहे हर एक के घर पे आपने अपनी उपस्थिति बनाई रखी है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इनके साथ बात करके उनके मन में एक खुशी को भर दीजिए पिता, आप बोलिए हम सुनते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमेन आमेन। पवित्र शास्त्र में पवित्र यूहन्ना द्वारा लिखा गया सुसमाचार
अध्याय क्रमांक 16 और 20वां वचन। मुझे आज क्या संदेश देना है, क्या संदेश देकर आपके लिए मुझे प्रार्थना करनी है, इसके बारे में मैंने जब यीशु से प्रार्थना की तब परमेश्वर ने कहा कि यही वो वचन है जिसे मैं आपके सामने रखूं। इसलिए यीशु एक बहुत ही अद्भुत वचन कह रहे हैं, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। बट योर सोरो शैल बी टर्न्ड इनटू जॉय। तुम्हारा शोक, मेरे बेटे मेरी बेटी, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, ऐसा परमेश्वर आपको देखकर कह रहे हैं। कोई तो एक दुख आज तुम्हारे मन में घर कर गया होगा। एक दुख के साथ आज आप ये वचन शायद सुन रहे होंगे। हो सकता है वो दुख पाप के कारण आपके जीवन में हो, या ये पाप मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं ऐसा एक दुख मन में हो। एक बीमारी के कारण आपके मन में दुख भर गया होगा, या हो सकता है किसी कर्जे के कारण आप उदास हों, या फिर आमदनी का कोई भी जरिया नहीं, ऐसा कोई शोक हो। अपने पति को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर आप शोकित रहे होंगे। अपने बच्चों के कारण शायद आप दुखी होंगे। निसंतान होने के कारण, काफी पीड़ा और अपमान सहने के कारण आप शोकित होंगे। कोई तो एक वजह है जिसके कारण आपके मन में दुख भर गया है। काफी समय से, काफी सालों से आप एक दुख भरी स्थिति में पूरी तरह से डूबे होंगे, पर आज प्रभु यीशु आपको देखकर ये कह रहे हैं, मेरे बेटे मेरे बेटी, तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। इसीलिए प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेंगे। चाहे स्थिति ऐसी हो कि शोक बदल नहीं पा रहा है, आपको लगता हो शायद सब खत्म हो गया, पर यीशु आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। यीशु अद्भुत परमेश्वर हैं। ऐसा कुछ नहीं जो उनके द्वारा नहीं हो सकता। आपकी समस्या को दूर करना हो तो एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है। वही आश्चर्य कर्म यीशु आज आपके जीवन में करेगा। इसीलिए इस अद्भुत पर्व नाम के कार्यक्रम में यीशु आपके साथ बातें कर रहे हैं। आज एक आश्चर्य कर्म का दिन है। आज आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य होने जा रहा है। जिस दुख में आप डूबे हुए हो, उस दुख की स्थिति से आपको बाहर निकलने यीशु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। मेरे प्रिय जनों, यीशु ने जो आश्चर्य कर्म किए जिससे कईयों के शोक आनंद में बदल गए, इस विषय में कई सत्य घटनाओं को जो बाइबल में लिखी हैं हम पढ़ पाएंगे। उनमें से एक घटना पर आज हम ध्यान करने जा रहे हैं, और उसे ध्यान करने के बाद हम परमेश्वर के समूह में हमारा शोक आनंद में बदलने के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। पवित्र बाइबल में पवित्र लूका द्वारा लिखा गया सुसमाचार अध्याय 13 और वचन क्रमांक 10 से लेकर 13 तक मैं आपके लिए पवित्र शास्त्र से पढ़ूंगा। इन वचनों पर आप ध्यान दीजिएगा। ये पवित्र शास्त्र में कुछ सत्य घटनाओं के बारे में लिखा है। शब्द के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। यहां हम यीशु द्वारा किया गया एक अद्भुत कार्य देखते हैं। यीशु एक आराधनालय में उपदेश दे रहे हैं और वहां पर लोग बैठकर उनके उपदेश को सुन रहे हैं। उन लोगों के बीच में एक कुबड़ी स्त्री थी जो 18 वर्ष से वैसी थी। उसकी स्थिति आप जानते होंगे, पीठ झुक जाती है और जमीन की ओर देखकर चलना पड़ता है। ऐसे लोगों के पीठ झुके होते हैं, हमारी तरह वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, वो ऐसी झुकी अवस्था में रहते हैं, ऐसे ही देखते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। कितनी बड़ी वेदना देखिए, 18 वर्ष से एक कुबड़ी स्त्री थी वो, जमीन की ओर देखकर ही चलना पड़ता होगा। ऐसे लोग तेज नहीं चल पाते हैं, कुछ ही दूर चलने के बाद वो घुटनों पर हाथ रखकर थक जाते हैं, फिर से चलने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को चलने फिरने में और जीवन जीने में बहुत पीड़ा होती है। तो ऐसी अवस्था में वो स्त्री लगभग 18 वर्ष से जी रही थी। तो देखिए, 18 वर्ष कितने ही वैद्यों को उन्होंने दिखाया होगा, और अपनी इस बीमारी को लेकर कहां कहां नहीं भटके होंगे वो स्त्री चंगाई पाने के लिए। उस समय डॉक्टर्स होते थे, वैद्य हुआ करते थे उस समय। तो हो सकता है ऐसे डॉक्टर्स वैद्यों के पास वो गए होंगे और अपनी चंगाई पाने के लिए काफी कोशिश की होगी, पर हर जगह नाकामी। 18 वर्ष हो चुके हैं, अब कहां से चंगाई मिलेगी।
तो शायद वो स्त्री अब इस स्थिति में रही होगी कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब वो स्त्री आराधनालय में आकर बैठी थी, यीशु ने उन्हें पुकारा और उनके लिए एक आश्चर्य कर्म किया। 18 साल की उनकी पीड़ा का यीशु ने एक अंत कर दिया, 18 साल पुरानी समस्या को खत्म कर दिया। यीशु ने उन्हें पुकारा और उन्हें पूरी चंगाई दे दी। आराधनालय में आते समय वो एक कुबड़ी थी और घर लौटते समय वो बिल्कुल सामान्य बनकर घर लौट पाई। आराधनालय आते समय वो शोकित थी और वापस लौटी भरपूर आनंद के साथ। आज प्रभु आपके लिए भी ऐसा एक आश्चर्य कर्म करेंगे। चाहे कितनी वर्ष पुरानी वो स्थिति रही होगी, आज आपकी स्थिति बदलेगी। वो स्थिति जो आपको दुख दे रही है, वो स्थिति आज बदलने जा रही है। उसी के लिए यीशु आपके लिए एक आश्चर्य कर्म करेंगे। हम प्रार्थना करते समय यीशु आश्चर्य कर्म करेंगे, पर इस चमत्कार पर जब आप ध्यान देते हो तब आप जान सकते हैं कि यीशु का अद्भुत कार्य करने का जो गुण है, उनका जो स्वभाव है, वो किस प्रकार का है। परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि की, जिसने हमें बनाया, इस सर्व सृष्टि की रचना जिसने की है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर कैसा है, उनका गुण कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, जब आप इसे जान लेते हो तब कई भलाइयां और आशीष आप पा सकते हैं। जब आप इस चमत्कार पर ध्यान देते हो तो यीशु की ओर से 3 विशेष कार्यों को हम जान पाते हैं। मैं इसी के बारे में बताकर प्रार्थना करने जा रहा हूं। वो यीशु कैसा है, इसके बारे में जानकर जब आप प्रार्थना करोगे तब आप अद्भुत कार्य पा सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे वचन क्रमांक 12, यीशु ने उसे देखकर बुलाया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। उस भीड़ में उस कमजोरी के साथ जो बैठी थी, 18 वर्ष से पीड़ित उस स्त्री को यीशु ने देखकर बुलाया। वो हमें देखने वाले प्रभु हैं, वो हमें देखने वाले प्रभु हैं। देखिए, पवित्र शास्त्र में पुराने नियम के उत्पत्ति में एक घटना लिखी गई है। अब्राहम और सारा के कुटुंब में एक स्त्री जिसका नाम हाजिरा था, जो वहां पर काम काज करती, वो परिवार की एक सदस्य बन गई। एक समय ऐसा आया कि उसका अपनी मालकिन के साथ एक मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसे बहुत ही पीड़ा और वेदना होने लगी। तब स्थिति बदलने लगी। अपनी मालकिन के मन में उसके लिए कोई प्रेम नहीं था। उसे बड़ा दुख हुआ। अब्राहम भी अपने ही काम में बहुत बिजी चल रहे थे, पारिवारिक कार्यों में ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनके ऊपर काफी दूसरी जिम्मेदारियां भी थी, अपना व्यवसाय संभालना था। वो भी मुझसे प्यार नहीं करते, मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा सोचकर हाजिरा एक नर्क की वेदना को अनुभव कर रही थी। रोज उसका अपमान होता, तब वो ऐसा ही सोचती कि मैं बहुत ही निंदित हो रही हूँ, मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, मैं अपनी वेदना किसको जाकर बताऊं। उसके परिवारजन भी साथ नहीं थे, वो तो बस एक दासी थी जो बाद में उस परिवार की एक सदस्य बन गई। वो मिस्र देश से थी। अपमानित होने के बाद वो सोचने लगी कि मैं इस घर में नहीं रह सकती। उस समय वो गर्भवती महिला थी। मैं घर छोड़कर जा रही हूं, ऐसा सोचकर उसने घर छोड़ दिया। घर छोड़कर कहां जाना है पता नहीं, क्योंकि इतने साल वो उसी परिवार की एक सदस्य थी। मरुभूमि में वो चलकर जा रही है, एक गर्भवती महिला, मरुभूमि जहां कोई नहीं आता जाता, वहां बस चलती जा रही है। कहां जाना है वो नहीं जानती। कौन मुझे अपनाएगा, मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, मेरी वेदना को जानने वाला कोई नहीं है, ऐसा सोचकर उस मरुभूमि में वो अकेले ही चलते हुए जा रही थी। मेरे पति ने भी मुझसे प्रेम नहीं किया और उस परिवार के किसी ने भी मुझे नहीं अपनाया, मुझसे प्रेम जताने वाला कोई भी नहीं है, मैं बस अकेली बैठकर रो रही हूं, ऐसा वेदना के साथ मरुभूमि में जाते समय आकाश से एक आवाज सुनाई दी, हाजिरा। ऐसा किसी ने उसे नाम लेकर बुलाया, तुम कहां जा रही हो बेटी, कहां जा रही हो तुम। वो जान नहीं पाई कि आवाज कहां से आ रही है। वो यहां वहां देखने लगी, पर वो आवाज आकाश की ओर से आ रही है। परमेश्वर की आवाज को पहचानते ही उसने प्रभु की ओर देखा। परमेश्वर ने पूछा, क्यों रोती है और तू कहां जा रही है, तू लौट कर जा, जा और उसी परिवार में शांति से रह, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे गर्भ के बालक को मैं आशीष दूंगा।
वो तेरे लिए दिलासा होगा, तेरा भविष्य उज्जवल रहेगा, डर मत। ऐसा परमेश्वर ने दिलासा देकर उसकी आंसू को पोंछ कर उसके शोक को बदल कर उसे भेजा। तब वो बहुत ही खुश हुई। किसी ने भी मुझसे प्रेम नहीं किया, किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, मुझे दिलासा नहीं दिया, ऐसा मैं सोच रही थी, परंतु परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, वो मुझ पर नजर रखे हुए हैं, मेरे आंसुओं को उन्होंने समझा है। ऐसा जानकर उसने परमेश्वर को एक बड़ा अच्छा नाम दिया। जानते हैं वो क्या नाम था? उत्पत्ति अध्याय 16 और वचन 13 में लिखा गया है, चलिए पढ़ेंगे। क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखने हारा है, देखने हारा परमेश्वर? यू आर द गॉड वन हु सीज मी ओ लॉर्ड। तू मेरा देखने हारा परमेश्वर है, ऐसा उसने नाम रखा। मेरा कोई भी नहीं है, मेरे आंसुओं को पोछने वाला, मेरी पीड़ा को समझने वाला कोई भी नहीं है, ऐसा मैं सोच रही हूं, पर तू मेरा देखने हारा है। मेरे प्रियजनों, क्या आप अकेले में रो रहे हो? मेरे पति भी मुझे समझ नहीं पाते, मेरी पत्नी भी मेरा साथ नहीं देती, मेरे माता पिता मेरे बोझ को नहीं समझ पाते हैं, मेरे बच्चों को मेरी कोई चिंता नहीं है, मैं एक अनाथ के समान हूं, ऐसा सोचकर आप रो रहे हो क्या? परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरा देखने हारा परमेश्वर हूं, तेरी वेदनाओं को जानने वाला परमेश्वर। तू अकेले बैठकर रोती है, उसे मैं देखता हूं। परमेश्वर कहते हैं, यीशु तुम्हें देखने वाला परमेश्वर है। आ मेरे प्रियजनों, निर्गमन अध्याय 3:7 वचन जब हम पढ़ते हैं, जब इज़राइली लोगों को मिस्र देश में काफी तकलीफ दी गई, काफी पीड़ा दी गई, परमेश्वर कहते हैं, मैंने अपने लोगों के दुख को देखा है। आप एक दुख भरी स्थिति में हो क्या? आपके इर्द गिर्द, आपके घर में, आपके कार्यस्थल पर क्या आपको दुख दिया जा रहा है? क्या आपके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना दुख किसको जाकर बताऊं? परमेश्वर कहते हैं, मैंने तेरे दुख को देखा है, मैंने अपनी प्रजा के दुख को देखा है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। क्या आप अकेले में रो रहे हो? बीमारी के कारण, कर्जे के कारण, निसंतान होने के कारण, निंदा और अपमानित होने के कारण आप रो रहे हो क्या? मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है, ऐसा सोच रहे हो क्या? यशाया 38:5 में परमेश्वर एक इंसान से मिलते हैं जो रो रहा है, एक देश पर राज करने वाला व्यक्ति। वो कहते हैं, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, तेरी प्रार्थना को मैंने सुना है, तू रो मत हिचकिया, तू रो मत, तेरे आंसू मैंने देखे हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। ऐसे हिचकिया की स्थिति को बदला। क्या आप मौत के कगार पर हो, या आपका कोई प्रिय मौत के कगार पर होने के कारण आप रो रहे हो? मेरा बच्चा मर जाएगा, या फिर मेरा पति मर जाएगा, या फिर मेरी पत्नी मर जाएगी, ऐसा सोचकर रो रहे हो? परमेश्वर कहते हैं, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है। वो हमें देखने वाला परमेश्वर है। आप ये जान लीजिए कि वो आपको देखने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियजनों, बहुत वर्षों के पहले कन्याकुमारी में कुली तुरई नाम का एक स्थान है। वहां पर सेवकाई करने के लिए मैं एक बार गया था, लगभग 30 साल के पहले की बात है, और वहां पर एक आराधनालय के कंपाउंड में ये सभा थी। तब एक बहुत बड़ी भीड़ उपदेश सुनने के लिए उस मैदान में आई थी। बहुत ही बढ़िया 2 दिन की सभा वहां चली। दूसरे दिन तो बहुत बड़ी भीड़ थी वहां। जब प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए उस जगह पर मैं खड़ा हुआ, बस उपदेश शुरू होकर 10 या 15 मिनट ही हुए थे, अचानक बरसात शुरू हो गई। बहुत ही जोरदार बारिश, वो कोई बूंदाबांदी नहीं थी, परंतु लोग भीगते हुए उपदेश सुन रहे थे। देखिए, ऐसी एक स्थिति में बरसात के बीच कपकपाते हुए ध्यान देकर कोई उपदेश तो नहीं सुन पाएगा, है ना? तब पवित्र आत्मा ने अगुवाई की कि लोगों के लिए प्रार्थना करें। तब मैंने कहा कि सब लोग खड़े हो जाएंगे, अब हम प्रार्थना करेंगे, आप आशीष पाकर यहां से जाइए, ऐसा कहकर मैंने प्रार्थना शुरू की। बीमार लोग अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रखिए, सब अपने लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसा कहते ही पूरी भीड़ ने परमेश्वर की ओर देखकर प्रार्थना की। और जब मैं उनके लिए परमेश्वर की ओर देखकर प्रार्थना कर रहा था, अचानक परमेश्वर ने मेरे सामने एक दृश्य को लाकर खड़ा किया।
उस मैदान के पिछले भाग में काफी दूर उस मैदान में जहां सभा हो रही थी वहां पर तो लाइट थी, पर उसके पीछे कुछ दूरी पर एक अंधेरे स्थान पर एक पेड़ के नीचे एक आदमी अपने ऊपर एक कंबल को ओढ़कर एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ उस दृश्य को मैं देख पा रहा था। अगर मैं आंखें खोलूं तो मैं देख नहीं पाता क्योंकि वो काफी दूर था और अंधेरा था, पर आंख बंद करते ही मैं देख पा रहा था। तब मैं समझ गया कि परमेश्वर किसी योजना के अनुसार उस व्यक्ति को दिखा रहे हैं। तब परमेश्वर ने मेरे हृदय से साफ तौर पर बातें की, देखो वहां एक व्यक्ति खड़ा है इस सभा से दूर, इस सभा की ज्योति के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पा रहा है, अंधेरे में एक पेड़ के नीचे वो खड़ा है, मैंने उसकी प्रार्थना सुन ली है, मैं उसके लिए अद्भुत कार्य करने जा रहा हूं, ऐसा परमेश्वर ने कहा। वो क्या कार्य था वो भी परमेश्वर ने बताया कि वो किसी चर्म रोग से ग्रसित था। उस चर्म रोग के कारण उसका पूरा शरीर सड़कर दुर्गंधित था, लोगों के बीच में आने के लिए उसे बड़ी शर्म आ रही थी, तो वो उस पेड़ के नीचे खड़े होकर उपदेश सुनकर प्रार्थना करने के लिए आया था। उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, मैंने उसे देखा है और उससे कहो कि मैंने चंगाई दी है, ऐसे पवित्र आत्मा ने कहा। तब मैंने स्टेज पर खड़े होकर परमेश्वर ने जो बताया वो कहा कि एक व्यक्ति दूर वहां पर अंधेरे में एक पेड़ के नीचे खड़ा है और तुम जिस बीमारी से ग्रसित हो उसे यीशु ने देखा है, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, तुम चंगाई पा रहे हो, ऐसे यीशु के नाम से मैंने कहा और प्रार्थना करके सभा के बाद मैं लौट आया। बस उतना ही। कुछ वर्ष बीत गए। बहुत सालों के बाद एक दिन एक शुभचिंतक मुझसे मिलने आए। उस सभा के 10-15 साल बाद वो व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए हमारे यीशु छुड़ाता है कार्यालय में आए थे। वो एक दान लेकर आए थे और वो रकम बहुत ही बड़ी थी। देखिए, छोटे छोटे कस्बों में जहां प्रभु की आराधना के लिए कलीसियाएं नहीं होती थी वहां पर हम कलीसियाएं बांधते हैं, ये बात वो सज्जन जानते थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ने मुझसे बातें की और मैं ये दान आपके लिए लाया। देखने पर तो वो एक गरीब इंसान जान पड़ रहे थे। मैंने पूछा कि आप क्या काम करते हो, उन्होंने कहा मैं राजमिस्त्री हूं, रोज काम पर जाता हूं, मेरा परिवार खुश है, ऐसा उन्होंने बताया। तब तो आपने बड़ी मशक्कत करके ये पैसे जमा किए होंगे, ऐसा पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को कॉलेज में पढ़ाने उसी लिए मैंने ये पैसे जमा किए थे, अब वो 12वीं कर रहा है और अगले साल कॉलेज भी जाने वाला है। तब मैंने पूछा कि अपने बेटे के कॉलेज के लिए रखे हुए पैसे आप लेकर आए हो, इसे मैं कैसे स्वीकारूं, इसे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए आप उपयोग कीजिएगा, ऐसा कहने पर नहीं मैं यीशु से बहुत प्रेम करता हूं, उनका जो मैं आदर करता हूं उसी लिए ये है। ऐसे कई गांव हैं जहां पर आराधना करने के लिए कलीसियाएं नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए कलीसियाएं बांधने के लिए मैं ऐसे लाया हूं, आप इसे रख लीजिए, उन्होंने कहा मैं और लेकर आऊंगा। परमेश्वर यीशु पर उनका उतना प्रेम था, मैं आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रहा था। आप यीशु से इतना प्रेम क्यों करते हो? जब मैंने ऐसा पूछा तब उन्होंने कहा, भाई क्या आप जानते हैं लगभग 10-12 साल पहले आप कुलितुरे में एक सभा के लिए आए थे? हाँ अच्छी तरह याद है, आखिरी दिन में बारिश भी आई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, बस 10 मिनट ही तो मैंने उपदेश दिया था और फिर बारिश आ गई। उस प्रार्थना के समय आपने स्टेज पर खड़े होकर कुछ कहा था, इस मैदान से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति अंधेरे में पेड़ के नीचे चर्म रोग से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है, बड़ी पीड़ा में है, यीशु तुम्हें चंगाई दे रहे हैं, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, ऐसा कहा था। मैंने कहा हाँ मुझे याद है, वो परमेश्वर ने वो दृश्य मुझे दिखाया था, उस दृश्य में चेहरा तो नहीं देख पाया पर एक पेड़ के नीचे व्यक्ति दिखाया था, वो मैं ही था। उन्होंने कहा मैं कोढ़ की बीमारी से ग्रसित होकर इलाज करने के लिए भी मैं शर्मिंदा होकर घर पर ही रहा करता था, बिल्कुल बाहर नहीं जाता, हर क्षण पीड़ित था, बहुत तकलीफ में था, स्थिति ऐसी थी कि मेरा शरीर सड़कर उसमें दुर्गंध आने लगी। जब मुझे पता चला कि यहां पर सभा हो रही है तब सबके जाने के बाद तब अकेले में मैं एक कंबल ओढ़कर अपने आप को छिपाकर अकेले ही इस सभा में नहीं आकर वहां पीछे अंधेरे में उस पेड़ के नीचे खड़े होकर आपके उपदेश को सुना, परमेश्वर के पास आंसुओं के साथ प्रार्थना की। तभी आपके द्वारा परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैं तुझे चंगाई देता हूं। उस दिन यीशु ने मुझे छुआ, उस बीमारी को मुझसे दूर कर दिया। आज देखिए मेरे हाथों को, मेरे शरीर को, यीशु ने मुझे ऐसे चंगा किया कि कोई नहीं बोल सकता कि मैं एक कोढ़ी था।
यीशु ने मुझे पत्नी, बच्चे और मुझे जीवन दिया है। आज मैं जीवित हूं तो उसका कारण है यीशु। यीशु, इसलिए मेरा उन पर इतना प्रेम है। मेरे लिए इतना बड़ा आश्चर्य कर्म किया, इसलिए मेरा उन पर इतना प्रेम है। ये मैं उनके लिए लेकर आया हूं, ऐसा कहा। यीशु एक अद्भुत परमेश्वर हैं। यीशु एक अद्भुत प्रभु हैं। प्रिय जनों को आपके आंसुओं को देखता है, आपकी पीड़ाओं को समझता है। वो आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। फिक्र मत कीजिए, आज वो आपके लिए आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। इसीलिए तो है ये अद्भुत पर्व कार्यक्रम। आप चाहे जो भी हों, चाहे आप जिस किसी भी बीमारी से ग्रसित हों, आज प्रभु यीशु आपके जीवन में एक आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। बस उतना ही नहीं, पवित्र शास्त्र कहता है, पहला शमूएल 16:7 को पढ़ते समय, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। हमारी बाहरी रूप को नहीं देखते, वो हमारे मन पर दृष्टि रखते हैं। हमारे जीवन के सारे रहस्य वो जानते हैं। उनसे छिपाने के लिए कुछ नहीं है। मरकुस 7:21 के आगे जब हम पढ़ते हैं, एक मनुष्य के हृदय में क्या है, वो यीशु हमें वहां पर बताते हैं। मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, ये सारे पाप मनुष्य के मन से ही निकलते हैं। क्रोध, लुचपन, बुरी इच्छा और फिर लोभ, ये सारी बुरी इच्छाएं मनुष्य के मन से ही निकलती हैं। मनुष्य के मन को यीशु ने जाना है। यूहन्ना 2:24-25 में लिखा है, परमेश्वर सब जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है, उनसे हम कुछ नहीं छुपा पाएंगे। हमारे जीवन के रहस्य को वो जानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मन फिराओ। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर के आगे हम कोई दिखावा नहीं कर सकते। हमारे सारे पाप, हमारे सारे रहस्य को वो जानता है। इसलिए पहले कहना है कि प्रभु मेरे सारे पापों को माफ कीजिए। मेरे मन से निकले हुए सारे पाप, मेरे जीवन के रहस्यमय पाप, आपको दुख पहुंचाने वाले पाप, मेरे जीवन से निकालकर मुझे क्षमा करके मुझे आशीष दीजिए। तब मन फिराने पर वो हमें क्षमा करेगा। इस हृदय को धोने के लिए बस एक चीज की जरूरत है। यीशु मसीह का लहू सारे पापों को मिटाकर हमें शुद्ध करता है। जब आप अपने आप को सौंप देंगे तो वो क्षमा करेगा। बहुत लोग ये समझते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं वो कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जानता। अब देखिए, सीसीटीवी कैमरा आ गया। कैमरा को लेकर बहुत लोग डरते हैं। कैमरा है क्या? ऐसा देखकर लोग डरते हैं कहीं कैमरा उनका वीडियो ना ले ले। मेरे प्रियजनों, कई वर्ष के पहले ब्रदर DJS दीनाकरण, जिन्होंने यीशु बुलाता है सेवकाई की स्थापना की थी, आप उन्हें जानते होंगे। बड़े परमेश्वर भक्त थे वो। यीशु के बारे में वो प्रचार करते थे। उनकी सभा में लाखों लोग आते थे। एक बार वो किसी शहर सेवकाई करने गए थे। दो लोग उनसे मिलना चाह रहे थे, बड़ा झगड़ा करके। उन्हें हमें देखना है करके वो मिलने आए। दीनाकरण जी ने भी कहा, चलो आने दो उन्हें। तो दो लोग आए। और वो लोग क्यों आए थे? वो बहस करने आए। क्या ये ऐसा है, क्या वो वैसा है, बाइबल में तो ऐसा लिखा है। तो उनके साथ बहस करने के लिए वो आए थे। भाई दीनाकरण जी जान गए कि ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में कि ये लोग बहस करने आए हैं, भाई दीनाकरण ने वहीं पर प्रार्थना की कि प्रभु मैं इनसे क्या कहूं। तब परमेश्वर ने उनसे कुछ कहने के लिए कहा। परमेश्वर ने उनसे एक रहस्य बताया। उनमें से एक आदमी बहुत ही बोल रहा था कि ये ऐसा है, वो वैसा है और हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तब भाई दीनाकरण ने उनसे पूछा कि चलो मैं तुमसे एक सवाल करता हूं और तुम मुझे इसका जवाब दो। उन्होंने कहा, हाँ पूछो। तुमने अपनी बीवी का कत्ल करके उसे रेलवे ट्रैक पर चाकर डाल दिया और कहा कि दुर्घटना में वो मारी गई। अपनी बीवी को क्यों तुमने मारा, पहले उसका जवाब दो। हिल गया वो व्यक्ति, पसीना पसीना हो गया, बहुत ही डर गया वो इंसान। बड़बड़ाने लगा, ये कैसे इसे पता लगा। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो सारे रहस्य को जानने वाले एक प्रभु हैं, वो यीशु, और तुम मुझसे सवाल पूछते हो। यीशु जानता है कि तुम्हारा हृदय कैसा है।
ये सुनकर वो बहुत भयभीत हो गया। देखो, उस व्यक्ति ने अपनी बीवी का कत्ल करके रेलवे ट्रैक पर उसे डालकर सबसे कह दिया कि दुर्घटना में वो मारी गई। जब परमेश्वर ने उसे प्रकट किया तब वो भाग गया भयभीत होकर, रुका ही नहीं। वो कैसे रुक पाता था? वो परमेश्वर सारे रहस्य को जानते हैं। तो मैंने तो ऐसे ऐसे पाप कर दिए, इन पापों के बदले में कैसे समाधान ढूंढूं? समाधान है उद्धारकर्ता यीशु। यीशु मसीह का लहू ही तुम्हारे पापों को धोकर आपके हृदय को शुद्ध कर पाएगा। इसलिए अपने पापों को मानकर मन फिराना जरूरी है। अगर अपने पापों को छिपाओगे, यीशु को वो पता चल ही जाएगा। वो तुम्हें देखने वाला प्रभु है, इसे जान लीजिए। दूसरी बात, जब हम इस अद्भुत कार्य को देखते हैं, उसी 12वें वचन में यीशु ने उसे देखकर बुलाया। लिखा है, देखकर बुलाया, बेटी आओ, आ जाओ। परमेश्वर बुलाते हैं, सब लोग बैठे हैं, पर सिर्फ उसी बेटी को बुलाकर कहते हैं, तुम यहां आओ। किस लिए उस बेटी को बुलाया? वो स्त्री उठकर आई। किस लिए? वो बुलाने वाले प्रभु हैं। और किस लिए? आश्चर्य कर्म करने, छुटकारा देने के लिए, उसके दुख को बदलने के लिए प्रभु ने उसे बुलाया। आज वो आपको बुलाता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास आओ। प्रभु देखे यहां पर क्या कहते हैं, मत्ती अध्याय 11 वचन क्रमांक 28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ऐसा यीशु ने कहा है। वो आपसे ये कह रहे हैं, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, पीड़ा में पड़े मेरे बेटे, मेरे बेटियों, कम ऑन टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उस बोझ को मैं बदलूंगा, ऐसा कहते हैं। पाप का बोझ, बीमारी की पीड़ा, वो दुख, डर, सब कुछ बदलकर मैं तुम्हारे मन में खुशी, आनंद और एक विश्राम दूंगा, ऐसा परमेश्वर हमें वचन देते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी दूर नहीं निकालूंगा, ऐसा यूहन्ना अध्याय 6 और 37वें वचन में लिखा है। यीशु बिल्कुल नहीं देखता कि जो कोई उसके पास आता है उसका धर्म क्या है, भाषा, प्रांत क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सभी का परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि उसने की है, सारे लोक का परमेश्वर है, ऐसा उसका नाम है। इसलिए जो कोई उसके पास आता है उसे वो कभी दूर नहीं निकालता, वो सभी से प्रेम करता है। तू पापी है, ऐसा भी नहीं निकालेगा। जो पाप में डूबकर उसके कारण वेदना में है, उनसे भी वो कहता है, आ और मैं तुझे तेरे पापों से छुड़ाकर तुझे छुटकारा दूंगा। पर ऐसा वो कभी नहीं बोलेगा कि तू पापी है, जा, मुझसे दूर हो जा। उन्हें पापियों का मित्र इस नाम से पुकारा गया। वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हें बुलाता है। देखिए, मैं प्रभु के एक सेवक को जानता हूं। प्रभु ने उनका सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग किया। उनके जीवन में हुए एक किस्से को उन्होंने सुनाया। जब वो जवान थे तब यीशु और उनका कोई भी संबंध नहीं था। यीशु को बिल्कुल नहीं जानते थे, यीशु के बारे में उन्हें पता ही नहीं था। उनकी युवा अवस्था में उन्हें एक बीमारी लग गई। उनके दोनों फेफड़े खराब हो गए, जो लंग्स होते हैं वो खराब हो गए। उनके फेफड़ों में टीबी ने अटैक करके उनके दोनों फेफड़ों को खराब कर दिया था। सांस लेने में तकलीफ, उसके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, एक्सरे निकाला गया। उस समय एक्सरे था, ये तो अभी स्कैन वगैरह आया है, तब एक्सरे लिया जाता था। तब एक्सरे निकालकर उन्हें दिखाया गया कि देखिए, आपके दोनों फेफड़े पूरी तरह से खराब हुए हैं। बड़े सीरियस हो गए, उन्होंने बोल दिया कि इसे ठीक करना बहुत कठिन है, दोनों ही फेफड़े बुरी तरह से खराब हो चुके हैं, पर हम कोशिश करेंगे, ऐसा कह दिया। वो समझ गए कि बस इतना ही, अब मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। तो ऐसी एक स्थिति में जहां सांस लेने में भी समस्या थी, वो समझ गए कि मैं मर जाऊंगा। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब देखो, वो युवक रोता ही रहता था, अब तो मैं मर जाऊंगा, पता नहीं और कितने दिन मैं जीवित रहूंगा, इस बीमारी की पीड़ा से तो मर जाना ही भला है, क्यों मैं इस बीमारी के कारण रोज थोड़ा थोड़ा मरूं। उसने सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूं। ऐसा सोचकर एक दिन शाम को वो उस अस्पताल से बाहर निकलकर आ गया। सामान्य तौर पर अस्पताल से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन खुद को छिपते छिपाते वो बाहर आ गए। वो नौजवान कुछ दूर चल कर गया और देखा कि एक रेलवे ट्रैक गुजर रही है। उस ट्रैक पर वो चलने लगा कि अगर ट्रेन आ जाए तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। वो टूट चुका था कि इस युवा अवस्था में मुझे ये बीमारी लग गई, क्यों मुझे इस तरह इस उम्र में ऐसी बीमारी लग गई, ऐसा सोचते हुए रोते हुए वो खुदकुशी करने के लिए रेलवे ट्रैक पर चलता जा रहा था।
तब अचानक उसके कानों में कुछ शब्द सुनाई दिए। मौत की राह पर चलने वाले ऐ नौजवान, मेरे पास आ जा। मौत को ढूंढ कर जाने वाले ऐ नौजवान, मेरे पास आ जा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, ऐसा एक शब्द। मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं, ये किसने जान लिया और कौन मुझसे बातें कर रहा है? ऐसा सोचकर वो यहां वहां देखने लगा। बस अंधेरा था और कोई वहां पर नहीं था। उसने सोचा ये शायद भ्रम होगा और वो फिर चलने लगा। फिर से उसे कुछ दूरी पर वो आवाज सुनाई दी, मौत के राह पर चलने वाले ऐ नौजवान, मेरे पास आ जा, यीशु मसीह के पास तेरे लिए विश्राम है। वो यहां वहां देखने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। कुछ दूरी पर उसे एक रोशनी दिखाई दी और आवाज वहीं से आ रही थी, जैसे कोई माइक में बोल रहा हो। वो क्या रोशनी है वो उसे देखने के लिए नौजवान ट्रैक से नीचे उतर कर आया और पास ही एक मैदान में जहां पर एक मसीही सभा चल रही थी और उस सभा में हजारों की तादाद में लोग बैठकर उपदेश सुन रहे थे। तब उस उपदेशक ने ही अपने उपदेश के बीच में ये शब्द बोले थे कि मौत के राह पर चलने वाले ऐ नौजवान, तू आ यीशु के पास, यीशु तुझे बुलाता है, यही शब्द। तब वो नौजवान वहां पर जाकर बैठा और सोचने लगा कि ये कैसी सभा चल रही है। पहली बार यीशु के बारे में सुनकर उसके अंदर एक विश्वास जाग उठा, क्या ऐसा भी एक परमेश्वर है, मुझे चंगाई देगा, अद्भुत कार्य करेगा। उसके अंदर एक विश्वास जागा। उन्होंने सबको न्योता दिया, जिसे यीशु चाहिए मेरे पास आओ। सभी लोग जब पुलपिट की ओर दौड़ रहे थे तो वो नौजवान भी गया और कहा, यीशु मुझे आप चाहिए, मुझे चंगाई दीजिए, मेरे लिए चमत्कार कीजिए। ऐसा रोते हुए पूछते समय यीशु का सामर्थ उतर आया। उसने महसूस किया कि यीशु के सामर्थ ने उसे छुआ है। उसने अपनी चंगाई को महसूस किया। उसने एक नई ऊर्जा का अनुभव किया और वो अच्छे से सांस ले पा रहा था। अपने शरीर में एक बदलाव को महसूस किया। बहुत ही खुश हुआ। वहां से लौटकर जब वो अस्पताल गया तो वहां डॉक्टर्स और नर्सेस सब उसे ढूंढ रहे थे, कहां ये लड़का चला गया। अरे भाई, तुम कहां चले गए थे? सब डॉक्टर्स और नर्सेस तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो हमसे ही पूछ रहे हैं। और तब वो बड़ा खुश होकर बताने लगा सबको कि मैं यहां से खुदकुशी करने के इरादे से गया था। अगले दिन सुबह डॉक्टर्स आए, उन्होंने उसे बुलाया। तब उसने कहा कि डॉक्टर, मैं ठीक हो गया हूं, मुझे घर जाने की इजाजत दो। कैसी बातें कर रहे हो, आपके दोनों फेफड़े खराब हो गए हैं, आप मौत की कगार पर हो, आपको बहुत ट्रीटमेंट की जरूरत है, हम आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब उसने कहा, नहीं, मैं चंगा हो गया हूं, ठीक, अभी आप फिर से एक एक्सरे निकालिए। कल ही तो निकाला था एक्सरे, तुमने भी तो देखा था ना बेटे, ये देखो यहाँ पर है, यहीं पर आज फिर से आप एक्सरे निकालिए। क्यों, एक दिन में क्या बात हो गई, इस दिन में कुछ हुआ है? बस आप लोग एक बार एक्सरे निकाल कर देखिए। उसके बहुत गुजारिश करने पर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, इसका एक और एक्सरे निकाल लो। जब दोनों एक्सरे रिपोर्ट निकालकर डॉक्टर ने देखी तो वो चौंक गए, कैसे हुआ, अब तो दोनों फेफड़े बदल गए। कल जो रिपोर्ट निकाला गया था वो एक्सरे रिपोर्ट, उसमें कुछ और बताया जा रहा था और आज की रिपोर्ट में बहुत ही बदलाव है। अरे भाई, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? तब उसने कहा कि मैं खुदकुशी करने जा रहा था और मुझे किसी ने बुलाया, यीशु ने, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे चंगाई दी। डॉक्टर बोलने लगे, इट्स अ मिरेकल, ये अद्भुत है, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। तब वो नौजवान वो दोनों एक्सरे को हाथ में लेकर अस्पताल में यहां वहां दौड़कर बोलने लगा, यीशु ने मुझे चंगाई दी। खुश होकर हर एक वार्ड में जाकर वो नौजवान चिल्लाकर कहने लगा, यीशु ने मुझे चंगाई दी है, मुझे चंगाई दी है। वो एक सेवक बन गया और आज प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो। मौत तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं है, खुदकुशी तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं है। तुम्हारी समस्याओं का समाधान देने के लिए एक परमेश्वर है, वो है यीशु। आज वो आपके लिए एक आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हें जो दुख देने वाले कार्य क्या हैं, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। वो आपको बुलाते हैं, आ यीशु के पास, वो आपको दूर नहीं निकालेगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। उसके पास आइए, आपके संग चलेगा। वो देखने वाले प्रभु हैं, दूसरा बुलाने वाले प्रभु हैं। तीसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हैं। 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, जब वो स्त्री उठकर यीशु के पास पहुंची, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। यीशु ने उसे छूकर आश्चर्य कर्म किया। उनके हाथ रखते ही एक आश्चर्य कर्म हुआ और वो सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी।
18 साल की उस बीमारी को प्रभु ने दूर किया। कितने लोगों ने उसे कुबड़ी कुबड़ी कहकर उसका मजाक उड़ाया होगा, उसका अंत कर दिया, उसके सारे अपमान और निंदा का एक अंत कर दिया। आपकी सारी वेदनाओं का, समस्याओं का अंत कर देगा यीशु। वो अद्भुत करेगा, इसलिए आपको बुलाता है। उसके छूते ही आश्चर्य कर्म हो जाता है, उसके स्पर्श से ही आश्चर्य कर्म हो जाते हैं। देखिए पवित्र शास्त्र में मत्ती अध्याय 8 जब तीसरा वचन पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि एक कोढ़ी आता है। यीशु को वो पुकारता है, यीशु के उसके स्पर्श करते ही कोढ़ बदल जाता है और हम देखते हैं कि उसे पूरी चंगाई मिलती है। मत्ती अध्याय 8 14 और 15 वचन में हम पढ़ते हैं, जब यीशु पतरस के घर आए, पतरस की सास को बुखार था, मौत के कगार पर थी वो। सब जानते थे कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। वो बुखार इतना तेज था कि वो पतरस की सास को मौत की ओर ले जा रहा था। यीशु ने आकर उसे छुआ और तुरंत ही वो कमजोरी दूर होकर वो पलंग से उठकर खड़ी हो गई, ऐसा हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। मत्ती अध्याय 9 और 29 वचन को देखिए, दो अंधों ने आकर यीशु करके पुकारा और यीशु ने अपने हाथ बढ़ाकर उनकी आंखों को छुआ और हम देखते हैं कि तुरंत उन्होंने दृष्टि पाली। यीशु के छूते ही अद्भुत कार्य होते हैं। लूका अध्याय 8 और 54 वचन को हम देखेंगे, एक छोटी बच्ची मर गई थी, उसके माँ और पिता रो रहे थे और यीशु ने उस मरी हुई बच्ची का हाथ पकड़कर उसे उठाया और कहा कि उठ जा बेटी। मरी हुई उस लड़की के अंदर जान आ गई थी। आज आपके लिए भी वो अद्भुत करेगा, उनके छूते ही अद्भुत कार्य होते हैं। हाँ प्रियजनों, बहुत सालों के पहले एक आश्चर्य कर्म हुआ था जो मुझे याद आ रहा है। सेलम शहर में एक सभा भरी थी, तब देखिए बस स्टैंड के बाजू में रात के समय में सभा होती थी। अब तो उस जगह पर भी बस स्टैंड बन चुकी है, पर उन दिनों में वहां पर सभाएं आयोजित होती थी। तो एक बहुत बड़ी मैदान थी, वहां पर 4 दिन की सभा थी। वो उन दिनों में 4 दिन की सभाएं आयोजित होती थी। भाई अप्पा दुरे 1 दिन संदेश देते और मैं 4 दिन संदेश दिया करता था। तब आखिरी दिन में बहुत सारे लोग गवाही देने के लिए आगे आए थे, तो उनमें से एक भाई थे, उनकी गवाही आज भी याद है। जानते हैं क्यों? वो भी इसी समान 18 वर्ष उनकी बीमारी से ग्रस्त थे, 18 years, उस स्त्री की तरह 18 वर्ष। क्या समस्या थी? उनके स्पाइनल कॉर्ड में समस्या थी, रीढ़ की हड्डी में समस्या थी, दर्द। डॉक्टर ने कह दिया था कि स्पाइनल कॉर्ड का मामला है, अगर हाथ रखें तो हो सकता है कि समस्या बढ़ जाए, हो सकता है अन्य कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ जाएं, इसलिए जितना हो सकता है आप अपने जीवन में एडजस्ट करना सीख लीजिए। वो बाइक नहीं चला पाते, कुछ भारी सामान नहीं उठा पाते थे, काफ़ी तकलीफ होती थी। रात को सोते समय हमारी तरह वो साधारण रूप से सो नहीं पाते। 18 साल उनकी रीढ़ की हड्डी में समस्या, दर्द, पेन, हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम थी। बहुत देर तक एक जगह पर बैठकर उठो तो भी बहुत दर्द होता था, ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते थे, बहुत तकलीफ होती थी। उन्होंने गवाही दी कि पहले दिन की सभा में मैं आया था, वहां सबसे पीछे मैं खड़ा था, पहले दिन की सभा में सबसे पीछे खड़ा था। प्रार्थना की मैंने कि परमेश्वर मुझे चंगाई दीजिए, रीढ़ की तरफ मैं हाथ नहीं कर पाया, इसलिए मैंने छाती पर, अपने दिल पर हाथ रख के प्रार्थना की। जब आपने कहा कि बीमारी वाले स्थान पर हाथ रखिए, तब मैंने भी प्रार्थना की, हे ईश्वर मुझे चंगाई दीजिए, 18 साल से मैं इस समस्या से पीड़ित हूँ। ऐसे प्रार्थना करते समय मैंने एक स्पर्श का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि किसी ने आकर मेरी रीढ़ की हड्डी को छुआ और तुरंत सभी दर्द चला गया। 18 साल का दर्द एक दिन में निकल गया। मैंने अपने आप को अच्छी तरह से जांच कर लिया है, मैंने खुद से अपनी जांच की है, बाइक चलाकर देखी, सोकर देखा, उठकर देखा, संपूर्ण रूप से प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, इसीलिए इस आखिरी दिन में मैं गवाही देने के लिए आया हूँ। मैंने पूछा कि क्या हुआ था? आपने कहा कि यीशु ने आपको छुआ है, उस अनुभव को बताइए, कैसे हुआ ये बताइए। तब वो बोले कि मैंने अपने हृदय पर हाथ रखा, मैं पीठ पर तो हाथ नहीं रख पाऊंगा। तो प्रार्थना करने के समय आप प्रार्थना कर रहे थे कि यीशु इन्हें छुइए और जो भी बीमार है उन्हें पूरी चंगाई दीजिए। ठीक उसी समय मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीठ को सहला रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि किसी ने आकर उनकी पीठ को छुआ, उन्हें स्पर्श किया। मैंने मुड़कर देखा कि कौन है वो जो मुझे स्पर्श कर रहा है, तो पीछे कोई भी नहीं था, मैं ही तो सबसे आखिरी में था, वो भी भीड़ से दूर था, मेरे पीछे कोई भी नहीं था। तब मैंने यीशु के स्पर्श का अनुभव किया। ठीक उसी क्षण एक सामर्थ मेरे अंदर आया और दर्द दूर हो गया। कितनी खुशी की बात थी, 18 साल की पीड़ा यीशु ने बदल दिया, वो काफी खुश थे। तो इसी कारण से वो
वो दिन मुझे आज भी याद है जब खुशी के साथ उन्होंने गवाही दी थी। उनका शोक आनंद में बदल गया था। आज भी हम लोग कुछ ही देर में प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपके दुख आनंद में बदलने जा रहा है। यीशु के छूते ही एक अद्भुत कार्य होता है। आपकी बीमारियां दूर होती हैं और आप पूर्ण चंगाई को पा लेंगे। हाँ मेरे प्रियजनों, आपके आंसुओं को पोंछेगा। वो क्या है जो आपके आंसू बहाने का कारण है? हम निसंतान थे। ऐसी गवाही आपने सुनी ना जो श्रीलंका से थी, कितना रो रही थी। बड़ी वेदना के साथ वो आंसू के साथ आकर रोई और प्रार्थना की कि मुझे बच्चे की आशीष दीजिए। प्रभु के सामर्थ्य ने छुआ, उन्होंने प्रभु के स्पर्श को अनुभव किया, तो तुरंत देखिए परमेश्वर ने उन्हें एक बच्चे की आशीष दी। एक के बाद और एक बच्चा देकर दुगने आशीष से उन्हें भरा है। निंदा अपमान बदलेंगे, आंसू पोछा जाएगा, यीशु अद्भुत कार्य करेंगे। उतना ही नहीं, पाप से छुटकारा, यीशु के छूते ही आपको पाप से छुटकारा मिलेगा। देखिए हर सप्ताह एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, आइए प्रार्थना करें। एक व्यक्ति 45 साल से नशे का आदि था। 45 साल से सिर्फ शराब शराब और शराब। सोचिए परिवार का जो हाल था, पत्नी को पीड़ा, बच्चों को पीड़ा, आंसू और वेदना, उसके कारण दुख, क्योंकि पति शराबी थे। अब उन्होंने जान लिया कि मेरी वजह से पत्नी दुखी है, बच्चे दुखी हैं, कोई भी खुश नहीं है और मैं इसे छोड़ भी नहीं पा रहा हूं। अगर मैं इसे छोड़ना चाहूं तो भी ये मुझे छोड़ नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ पा रहा। मैं क्या करूं, मेरी सारी कमाई उसी में बर्बाद हो रही है। इस लॉकडाउन के समय बाहर नहीं जा पाते थे ना, इसीलिए घर में बैठ गए। तब टीवी पर जब मैं उपदेश दे रहा था ना, वो सुन रहे थे, और जैसा कि उन्होंने जाना कि यीशु बहुतों को छुटकारा दे रहे हैं, तो घुटनों पर आकर, प्रभु मुझे इस शराब की आदत से मुक्त कीजिए, मैं नहीं छोड़ पा रहा पर आप छुड़ा पाएंगे ऐसा कहते हैं, तो मुझे छुटकारा दीजिए, ऐसे सच्चे मन से उन्होंने प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने स्वतंत्र किया तो आप सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। यूहन्ना 8:36 में लिखा हुआ है, प्रभु ने छुआ। क्या हुआ? बस एक ही दिन का स्पर्श था, 45 साल से चलता आ रहा बुरा व्यसन छूट गया। तब वो गवाही देते हैं कि उसके बाद उन्हें उस चीज की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, उसका विचार भी नहीं आया। उसके बाद मेरे दोस्त जिनके साथ मैं पीता था, उन्होंने बुलाया, पर मुझे अब शराब को देखकर ही खिन्न आती है। कैसा है ये बदलाव? 45 साल से शराब 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 के पीछे पड़कर जाने वाले को उससे नफरत कैसे पैदा हुई? वही तो है यीशु का अद्भुत कार्य। मनुष्य को पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए आज जो पाप आपको जकड़े हुए हैं, चाहे वो शराब की आदत हो, बुरे व्यसन हो, आंखों की लालसा हो, दूसरी बुरी इच्छाएं हो, गलत संबंध हो, या दूसरा कोई भी पाप हो, क्या आप उस पर पड़कर तड़प रहे हो? यीशु आपको उससे स्वतंत्र कर पाएगा। वो पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर ही नहीं, पाप से छुटकारा देने वाला प्रभु है, और ये सब बिल्कुल ही मुफ्त है। परमेश्वर जो पाप की क्षमा इंसान को देता है, वो बिल्कुल मुफ्त है। पैसे देकर आप पाप की क्षमा नहीं खरीद पाओगे। प्रभु द्वारा मिलने वाली चंगाई मुफ्त है, प्रभु के द्वारा आया छुटकारा मुफ्त है, प्रभु का वो दिलासा भी बिल्कुल मुफ्त है। प्रभु सभी हमें बिल्कुल मुफ्त में देते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। इसके लिए दान दीजिए, इसके लिए उतने दान दीजिए, इसके लिए पैसे दीजिए, कोई कुछ नहीं मांगेगा। उन्हें सोचकर आने वालों से सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, क्या आपको विश्वास है? क्या मैं तेरे लिए ये कर पाऊंगा? इसका तुझे विश्वास है? इतना ही सवाल है। अगर आप विश्वास करो तो काफी है। आज प्रभु यीशु की ओर से आप मुफ्त में ही छुटकारा और चंगाई को पा सकते हो। तो इन सब की वजह कौन है? इतनी समस्याओं की वजह कौन है? देखिए इन दिनों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, हमारे भविष्य के आगे प्रश्न चिन्ह है। बोल रहे हैं कि ये बीमारी आएगी, वो दिक्कत आएगी, वो तकलीफ आएगी, बच्चे प्रभावित होंगे, अगर परमेश्वर भला है तो ये सब क्यों हो रहा है? तो यहां पर देखिए, वो स्त्री भी तो नियमित रूप से आराधनालय आती थी, तो उन्हें क्यों इतनी मुसीबतें आईं? देखिए वचन क्या कहता है। 16वें वचन में लिखा है कि शैतान ने उसे 18 वर्ष बांध कर रखा था। शैतान, तो ऐसा मत बोलिए कि परमेश्वर ने मुझे बीमारी दी है, परमेश्वर ने ही मुझे समस्या दी है। परमेश्वर कभी भी बुराई को नहीं देता, वो भला है और भलाई करता है। ये शैतान द्वारा है, शैतान जो इस दुनिया पर राज कर रहा है, एक दुष्ट आत्मा शैतान, एक चोर है और नाश करने वाला दुष्ट है। आप पढ़कर देखिए यूहन्ना 10:10, वही तो पाप को भी लेकर आता है, बीमारी लेकर आता है, हमें वेदना की ओर खींचता है, हमें दुख देता है, दुख देकर वो खुद बहुत खुश होता है शैतान।
और अगर आप छुटकारा पाने के लिए उस शैतान के पास जाते हो तो वो कहेगा ये लेकर आ, वो लेकर आ, ये कर, वो कर, पर परमेश्वर के पास आपको सब कुछ मुफ्त में मिलेगा। यीशु द्वारा मुफ्त में ये चंगाई कैसे दी जा सकती है? पहला यूहन्ना 3:8 में आप ये पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, मनुष्य को छुटकारा देने के लिए शैतान के सारे दुष्ट कार्यों का नाश करके दुष्ट के सामर्थ्य से हमें बचाने के लिए ही परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लिया, जो नहीं देखी जा सकती वैसी ज्योति जो आदि से वचन था। वो परमेश्वर जो मनुष्य बनकर आया, तभी उसका नाम रखा गया यीशु। वो आए तो शैतान के कार्यों का नाश करने के लिए। जब कलवरी के क्रूस पर उन्होंने अपना आखिरी कतरा लहू तक बहा दिया, तब देखिए शैतान के सामर्थ्य का नाश करके उन्होंने जय पाया। पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, मौत के ऊपर उन्होंने जय पाया। इसलिए यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करता है। यीशु ने अपने शरीर में जो घाव को सहा, उसी के द्वारा हमें चंगाई देते हैं। कलवरी के क्रूस पर उन्होंने हमारी सारी निंदाओं को, अपमान को, वेदनाओं को सहा, हमारे अपमान को बदलकर आश्चर्य कर्म करते हैं। तो आप उसी यीशु को बुलाइए और कहिए, मेरे लिए अद्भुत कार्य कीजिए, मुझे भी एक छुटकारा चाहिए, आज ही एक आश्चर्य कर्म कीजिए, ऐसा प्रभु से मांगिए, निश्चय ही वो अद्भुत कार्य करेंगे। हम अभी उसी के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या आप विश्वास करते हो? क्या आज आपके लिए वो आश्चर्य कर्म करेंगे? ऐसा विश्वास है, वो बिल्कुल आपके पास ही खड़े हैं। तो जब आप प्रार्थना करोगे, आपके साथ मिलकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, पर यीशु आपको छूने जा रहे हैं, आपके लिए आश्चर्य कर्म करेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे, चलिए प्रार्थना करें। हो सके तो घुटनों पर आ जाइए। आप घर पर ही तो हैं, तो घुटनों पर आ सकते हैं आप लोग। अगर आप बीमार हो या बुजुर्ग हो और घुटनों पर नहीं आ सकते, तो आप बैठकर प्रार्थना करें, और अगर आपको आदत नहीं है तो नीचे ही बैठकर आप प्रार्थना कर सकते हो। दूसरे बच्चे जो प्रभु यीशु को जानते हैं, वो उन लोगों की मदद करें जो यीशु को नहीं जानते, उनके ऊपर हाथ रखकर आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। बहनों से गुजारिश है कि आप लोग उनके साथ मिलकर उनके ऊपर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। एक भाई दूसरे भाई पर हाथ रखकर प्रार्थना करे, तो एक मन होकर हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले पाप की क्षमा, पाप से छुटकारा। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों में से सबसे उत्तम, एक मनुष्य को पाप की क्षमा का आनंद देकर यीशु ने पाप के बंधन से पूरी तरह मुक्त करता है। वही है सबसे उत्तम आशीष जो यीशु आपके लिए करना चाहते हैं। आपके पापों की क्षमा जरूरी है। पाप से हमें छुटकारा चाहिए। हम ये पाप नहीं चाहिए। पाप के बोझ तले मैं दब रहा हूं, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, ऐसा कहने वालों के लिए हम सबसे पहले प्रार्थना करने वाले हैं। उसके बाद चंगाई और आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक एक विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है? सबसे पहले मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए। मुझे पाप की क्षमा की शांति चाहिए। ये पाप का बोझ मुझसे दूर हट जाए। ये कपटी मन मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझसे दूर हट जाए। मेरे लिए यीशु ने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है, उसने मेरे पापों को उठा लिया है, ये मैं विश्वास करता हूं। उनका लहू मुझे धो देने के लिए। जो लोग पाप की क्षमा और पाप से छुटकारा चाहते हैं, वो सभी लोग अपने हृदय पर अपने हाथ रख लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने आसपास के लोगों को भूल जाइए, अपने ध्यान को भटकने मत दीजिए और आंखें बंद कीजिए। मोहन लाजरस को भूल जाइए, बस प्रभु यीशु को अपने आंखों के सामने ले आइए। उन्होंने आपके लिए क्रूस को उठाया, उन्होंने आपके लिए क्रूस पर लहू बहाया, आपके पापों को अपने ऊपर उठाकर आपके लिए लहू बहाया, अपना पवित्र लहू। बोलिए, यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, यीशु अपने लहू से मुझे धो दीजिए, यीशु इस पाप से मुझे छुटकारा दीजिए, यीशु पाप की क्षमा का आनंद मुझे दीजिए। हे यीशु, मेरे अंदर आप आइए, मेरे पिता बनकर मेरे अंदर आइए, मेरे मन में आकर आप वास कीजिए। यीशु आप मुझे चाहिए, यीशु मेरे मन में आइए। अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए सभी। आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं। अपने पाप को मानकर प्रार्थना कीजिए। अपने पाप को छिपाने वाला सफल नहीं होता, पर जो उसे मानकर छोड़ देता है वो दया पाएगा, ऐसा यीशु कहते हैं। अभी अपने पाप को मान लीजिए, मान लीजिए। यीशु मेरे अंदर का राग, द्वेष, बुरी इच्छा, नशे की आदत और दूसरी तरह के पाप उसे परमेश्वर जता रहे हैं। जो पाप आपको जताया जा रहा है उसे मानिए।
तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी हिम की नाई वो उजले हो जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं, तेरे पाप कितने भी घोर हों पर मैं अपने लहू से उसे धोकर तुझे शुद्ध करूंगा। परमेश्वर तुझसे बोल रहा है, अपने आप को सौंप दे ए बेटी, ए बेटे अपने आप को सौंप दे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ए पिता मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मेरे अंतर्मन में आइए यीशु, मेरे पाप के स्वभाव को बदलिए, पाप से छुटकारा दीजिए, ऐसा प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है, पिता जो जो अपने पापों को मानकर, हे यीशु मुझे पाप की क्षमा चाहिए, मुझे एक शांति चाहिए, पाप से छुटकारा चाहिए, यीशु मेरे हृदय में आइए, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता मान लेता हूँ। परमेश्वर ऐसा कहता है, उस भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इन लोगों के लिए तूने क्रूस को उठाया उसे याद कर, इन लोगों के लिए तूने अपना लहू बहाया उसे स्मरण कर, इन लोगों के लिए तूने कोड़े की मार सही उसे याद कर, हमें तेरे लहू का सामर्थ्य उनमें उतर आने दे। हे पिता यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है, उस वचन के अनुसार तेरे लहू का सामर्थ्य उनके हृदय को पूरी तरह से धो देने दे, सारे पापों को धोकर शुद्ध हो जाने दे, पाप के सामर्थ्य से छुटकारा पा लेने दे, ऐसे पापों को लाने वाले दुष्ट आत्माओं का सामर्थ्य का नाश हो जाने दे। हे पिता उस शराब की आदत और दूसरे नशे की आदत को ले आने वाले दुष्ट आत्माओं के सामर्थ्य पूरी तरह नाश हो जाने दे यीशु के नाम में। बुरी इच्छा की आत्मा दूर हो जाने दे, बुरे व्यसन की आत्मा दूर हो जाने दे यीशु के नाम में। राग और द्वेष लाने वाली बुरी आत्मा दूर हो जाने दे यीशु के नाम में। तेरे लहू का सामर्थ्य इनमें उतर आने दे, पाप से छुटकारा पा लेने दे, पाप का अंत टूट जाने दे, तेरा लहू इनमें धोकर शुद्ध करने दे, शुद्ध करने दे। आप बोलिए, यीशु मेरे अंतर मन में आइए, यीशु मेरे अंदर आकर वास कीजिए, यीशु मेरे पिता बनकर आप रहिए, ये शांति मेरे अंदर सदा सर्वदा बनी रहे। यीशु मैं स्वीकारता हूँ आपको मेरे अंतर मन में आइए। आपके प्रार्थना करते ही परमेश्वर की उपस्थिति आपको भर रही है, आपका बोझ दूर हो रहा है, आपके बंधन टूट रहे हैं, आपके अंदर एक दैवीय शांति आ रही है, एक खुशी आ रही है। अब बोलिए, प्रभु परमेश्वर तेरी स्तुति हो, अपने मुंह खोलकर बोलिए, यीशु मेरे पापों को क्षमा किया उसके लिए स्तुति हो, यीशु तूने छुटकारा दिया उसके लिए तेरी स्तुति हो, यीशु तू मेरे अंतर मन में आया है उसके लिए स्तुति हो, यीशु इस पाप के बोझ को मुझसे दूर हटाया उसके लिए तेरी स्तुति हो, मेरा पिता बनने के लिए, उद्धारकर्ता बनने के लिए तेरी स्तुति करता हूँ। अपने मुंह खोलकर बोलिए, यीशु तेरी स्तुति करता हूं, प्रभु आपके स्तुति करने के द्वारा ही मुझे आपके अंतर मन में भर रहे हैं। बोलिए, उद्धार का आनंद, पाप की क्षमा का आनंद, प्रभु मेरे पाप को क्षमा किया उसके लिए तेरी स्तुति करता हूं। प्रभु तेरी स्तुति से आपके मन में एक अजीब सी खुशी भरने लगेगी। परमेश्वर की स्तुति हो। हे पिता, हर एक के अंतर मन में तूने प्रवेश किया है और पाप की क्षमा का आनंद उन्हें देने के लिए स्तुति स्तुति करते हैं। तेरी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आखिर तक इनकी रक्षा करके तेरे आगमन को देखने का एक पवित्र मौका देकर इन्हें आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं अच्छे पिता, आमेन आमेन। ध्यान दीजिए, प्रार्थना खत्म नहीं हुई, अभी एक भाग खत्म हुआ है। अब चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे, फिर छुटकारे की प्रार्थना, फिर आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी जिस किसी ने भी प्रार्थना की कि हे यीशु मेरे मन में आइए और मेरे पापों को क्षमा करके मुझे आनंद दीजिए, यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। उन्होंने आपके पाप को क्षमा करके अपने लहू के सामर्थ्य द्वारा आपके हृदय को धोकर शुद्ध कर दिया है। तो अभी यीशु कहाँ पर हैं? आपके अंदर हैं। एक आनंद आपके मन में जागा है ना, यीशु की स्तुति कीजिए। एक बहुत बड़ी खुशी आनंद आपके अंतर मन में भरी है, आप यीशु की स्तुति कीजिए। ठीक है, अब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जो बीमार लोग हैं, ध्यान दीजिए, यीशु आपको छूने जा रहे हैं, उनके स्पर्श को आप लोग अनुभव कर पाओगे। अगर आप बीमार हो तो शरीर के कौन से भाग में आपको चंगाई चाहिए? अगर आंखों में तकलीफ है तो आंखों में ऐसे हाथ रख लीजिए, अगर कान सुनाई नहीं देता तो कानों पर हाथ रख लीजिए, आसपास के लोग मदद कीजिए, मेरे कान खुल जाने दें। देखा ना, एक भाई को बचपन से ही सुनने में काफी तकलीफ थी, प्रभु यीशु ने उन्हें चंगाई दी। आपको भी चंगाई मिलेगी, कानों में हाथ रख लीजिए। हृदय में कोई तकलीफ है तो हाथ रखिएगा अपने लंग्स, लीवर या फिर किडनी। अगर आप डायलिसिस कर रहे हो तो वहां पर हाथ रखिए, बोलिए प्रभु अद्भुत कार्य कीजिए। अगर आपके गर्भ के भाग में तकलीफ है तो हाथ रख लीजिए।
जहां पर भी दर्द है, वेदना है, अगर गांठ है तो उस गांठ के स्थान पर हाथ रखिए। देखिए, एक बेटी की गवाही थी कि उन्हें कैंसर की गांठ थी, वो सीरियस थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अपनी गांठ पर हाथ रखने के लिए भी उनमें बल नहीं था, सो रही थी, उसे लेकर आने वाले लोगों ने तक प्रार्थना की, तब प्रभु के सामर्थ्य ने छुआ, गांठ गायब हो गई। आप भी विश्वास कीजिए, गांठ चाहे कहीं पर भी हो, गले में हो, छाती पर हो, पेट पर हो, गर्भ के स्थान पर हो या सिर पर हो, वहां हाथ रख लीजिएगा। बोलिए, यीशु मुझे छूइए। दास्त्र कहता है, उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यीशु के घाव, जब क्रूस पर उन्हें मारा गया तब उनके शरीर के घाव, उन घावों के स्पर्श से ही आपकी बीमारी दूर होगी। आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रखिए। अगर आपके घर में बहुत ही बीमार लोग हैं तो उन पर हाथ रखिए। आपके बच्चे, दंपत्ति, पत्नी, आपके पिता, जो कोई भी हो, अगर चल नहीं पा रहे हैं तो उनके पैरों पर हाथ रख लीजिए। अगर आपके बच्चे चल नहीं पाते तो उन पर हाथ रख लीजिए। आप हाथ रखकर अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर प्रार्थना कीजिए, अगर आपके कोई दोस्त इस समय आपके घर पर प्रार्थना के लिए आए हैं तो उनकी चंगाई के लिए आप उन पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। उनके सर पर हाथ रखकर उनके साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु इन्हें छूइए, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। बोलिए, तो अब प्रार्थना करेंगे। प्रभु का सामर्थ्य आपको छूने जा रहा है, चंगाई का सामर्थ्य आपको छूने जा रहा है। आप जहां कहीं पर भी हो, यीशु आपको छूने जा रहे हैं। यीशु मुझे छूइए पिता, यीशु मुझे चंगाई दीजिए, यीशु, 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 वो भी आपको चंगा कर पाएंगे। आप मोहन लाजरस को भूल जाइए और यीशु को अपने आंखों के सामने लाकर खड़ा कीजिए। 5 मिनट के लिए आप आंख बंद कीजिए। यीशु मुझे छूइए, आप मुझे चंगा कीजिए। तेरे सामर्थ्य को मैं विश्वास करता हूँ, तेरे प्रेम को मैं विश्वास करता हूँ। मेरी बीमारी को क्रूस पर उठा लिया, उसे विश्वास करता हूँ। यीशु मुझे छूइए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना, प्रार्थना। बोलिए, प्रभु मुझे छूइए और मुझे चंगा कीजिए। ये कैंसर मुझसे दूर कर दे, ये अस्थमा की बीमारी मुझसे दूर हो जाने दे, ये अर्थराइटिस मुझसे दूर हो जाने दे। यीशु मेरी बच्ची को चंगाई दीजिए, मेरे पति को चंगाई दीजिए, ये मरण अवस्था बदलने दीजिए। यीशु के नाम में ये बीमारी दूर हो जाने दे। यीशु के नाम से मांगिए, यीशु का नाम पुकारिए। बीमारी चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, अभी यीशु का सामर्थ्य उतर आ रहा है। यीशु का नाम पुकारने वाले हर एक पर प्रभु का सामर्थ्य उतर आ रहा है। जिस भाग में हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हो, वहां पर प्रभु का सामर्थ्य उतर आ रहा है। आप लोग प्रार्थना कीजिए, यीशु हमें स्पर्श कीजिए, यीशु चंगाई दीजिए, यीशु छुटकारा दीजिए, यीशु तेरा सामर्थ्य उतर आने दे। यीशु का नाम लेने वाले हर एक पर सामर्थ्य उतरता जा रहा है, वो चंगाई का सामर्थ्य, यीशु के चंगाई का सामर्थ्य आप लोगों पर उतर आ रहा है। कुछ लोग उनके स्पर्श का अनुभव कर पा रहे हैं, प्रभु का स्पर्श अभी वो आपको छू रहा है। यीशु, यीशु नाम पुकारिए, बोलिए, यीशु स्पर्श कीजिए, हे यीशु चंगाई दीजिए, यीशु छुटकारा दीजिए, यीशु, यीशु, बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, यीशु हमें चंगाई दीजिए। हे पिता, तेरे बच्चों के साथ मिलकर मैं अब प्रार्थना करता हूँ। ये सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता, हर एक लोग अपने घर से प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग राष्ट्रों से ये लोग तुझे पुकार रहे हैं। हे यीशु, ये तेरे लोग हैं पिता, इनके लिए तूने क्रूस को उठाया था पिता, इनके पाप, शाप, बीमारी, वेदनाएं आपने क्रूस पर उठा लिया था यीशु, उसका स्मरण कीजिए पिता। आपने इन लोगों की चंगाई के लिए अपने शरीर में घाव को सहा, उसे स्मरण कीजिए पिता। अपने घायल हाथों से उन्हें छूइए पिता, इन पर दया कर पिता, इन पर दया कर, हर एक को छूए पिता। मरणावस्था में पड़े हुए उस बहन को स्पर्श कीजिए, उस भाई को आप स्पर्श कीजिए, वो बीमारी दूर हो जाने दे, वो गांठ दूर हो जाने दे, वो कैंसर दूर हो जाने दे। इस युवा अवस्था में मुझे कैंसर हो गया, ऐसा रोने वाले कई नौजवान युवक युवती यहाँ पर हैं, उन बच्चों को देखिए, स्पर्श कीजिए, चंगाई दीजिए। जो देख नहीं पाते उन्हें चंगाई मिल जाने दे। अंधों को दृष्टि देने वाले परमेश्वर हमें भी चंगाई दीजिए, ऐसा कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं।
यीशु के नाम में उनकी दृष्टि लौट आ जाने दे पिता, यीशु के नाम में उनकी आंखें खुल जाने दे, यीशु के नाम में उनकी आंखों में रोशनी आ जाने दे पिता। वो फिर से देखना चाहते हैं, वो फिर से देख सकें। बचपन से ही अपनी आंखों की ज्योति को खोए हुए बच्चों की दृष्टि लौट आ जाने दे पिता, उन्हें फिर से देख पाने दे। यीशु के नाम में अंधों की दृष्टि लौट आने दे, यीशु के नाम में आंखें खुल जाने दे, यीशु के नाम में। परमेश्वर जिनके कान सुनाई नहीं देते, ऐसे लोगों को आप स्पर्श कीजिए। ऐसे लोगों में से बहरेपन की आत्मा को मैं बांधता हूँ परमेश्वर यीशु के नाम में। जिनके कान खुल जाने दे और सुनने की सामर्थ लौट आने दे यीशु के नाम में, वो सभी कान खुल जाने दे यीशु के नाम में। बहरेपन की आत्मा प्रार्थना कर रहे हैं कि वो चल नहीं पा रहे, ऐसे बच्चों के पैर को आप स्पर्श कीजिए यीशु के नाम में। बच्चे उठकर खड़े हो जाएं और चलने फिरने लगे। जो बच्चे बोल नहीं पा रहे उन्हें चंगाई मिलने दे, जो बच्चे सुन नहीं पा रहे उनके कान खुल जाने दे, जो देख नहीं पा रहे ऐसे बच्चों की आंखों में ज्योति आ जाए यीशु के नाम में। एक आश्चर्य कर्म अभी हो जाने दे यीशु के नाम में, चंगाई हो जाने दे, छुटकारा मिलने दे। हर एक घर में आज आश्चर्य कर्म होना चाहिए, हर एक परिवार में अद्भुत कार्य होने दे। बीमारियां सब दूर हो जाए, मरण अवस्था बदलने दे, मौत की आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। बीमारी लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा को मैं अभी दुत्कारता हूँ, बांधता हूँ, शैतान के बंधन को तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। छुटकारा हो जाने दे, शरीर में एक पूर्ण छुटकारा, पूरी चंगाई हो जाने दे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई हो जाने दे। तूने छुआ उसके लिए धन्यवाद, तेरे घाव के कारण ये चंगे हुए उसके लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अब बोलिए, यीशु तेरी स्तुति हो, तूने मुझे छुआ उसके लिए तेरी स्तुति हो, मुझे चंगा किया उसके लिए स्तुति हो। बोलिए बोलिए, जैसे जैसे आप स्तुति कर रहे हो, चंगाई का अनुभव कर रहे हो, यीशु तेरी स्तुति हो। आगे एक और विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, छुटकारा। छुटकारा मतलब शैतान के बंधन से, दुष्ट आत्मा के बंधन से, जादू टोने जैसे शैतानी कार्यों के बंधन से, डर की आत्मा, भय की आत्मा, खुदकुशी की आत्मा, मौत का भय लाने वाली आत्मा, रात को चैन से सोने नहीं देने वाली आत्मा। इसी तरह और कई लोग हैं जो ऐसी दुष्ट आत्माओं के बंधन में जकड़े हुए हैं और पीड़ा में हैं। ऐसे परिवार हैं जो जादू टोने की गिरफ्त में हैं और काफी पीड़ा में पड़े हुए हैं। आज बोलिए, यीशु हमारे परिवार को छुटकारा दीजिए। ये जादू टोने का सामर्थ्य, बुरा सामर्थ्य आज यीशु के नाम में टूट जाए, हमें छुटकारा मिलने दे, ऐसी प्रार्थना कीजिए। आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। हे पिता, जो परिवार जादू टोने का शिकार हुए हैं, उसके गिरफ्त में जकड़े हुए हैं, बुरी आत्मा से ग्रस्त हैं और पीड़ा में पड़े हुए हैं, ऐसों के छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा जहाँ पर है वहाँ पर छुटकारा है। उस वचन के अनुसार इन घरों में पवित्र आत्मा का वास होने दे, दुष्ट आत्मा की क्रियाएं नाश हो जाने दे यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट के क्रियाओं का नाश करने के लिए प्रकट हुए परमेश्वर के पुत्र क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा तूने शैतान की क्रियाओं पर विजय पाया है। उस यीशु मसीह के नाम में शैतान की क्रियाओं का पूरी तरह से नाश हो जाने दे। जादू टोने की सामर्थ्य पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, ऐसी सारी दुष्ट क्रियाएं पूरी तरह से भस्म हो जाने दे यीशु के नाम में। ऐसी सारी क्रियाएं पूरी तरह से भस्म हो जाने दे, दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, डर की आत्मा दूर हो जा यीशु के नाम में, गड़बड़ी की आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में, डिप्रेशन लेकर आने वाली, परेशानी लेकर आने वाली आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। दूर हो, दूर हो, अभी दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में। नींद को खराब करने वाली आत्मा, खुदकुशी का विचार लेकर आने वाली आत्मा यीशु के नाम में, इनको छोड़कर दूर हो जा यीशु के नाम में। आदेश देता हूँ, परिवार को नाश करने वाले जादू टोने के सामर्थ्य को मैं नाश करता हूँ। आज एक परिवार में शांति हो, जादू टोने से एक छुटकारा। ऐसे परिवारों में तेरा सामर्थ्य उतर आने दे, उन घरों में तेरे लहू को छिड़कता हूँ। यीशु तेरा लहू छिड़कते हैं, यीशु का सामर्थ्य उन घरों में सामर्थ्य से उतर आ रहा है। कुछ लोगों में से चिल्लाते हुए दुष्ट आत्माएं बाहर निकल रही हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी शक्तियां कैसे आप में से निकल रही हैं। आपके विरुद्ध जो जादू टोना किया गया था वो भस्म होते आप देख पा रहे हो, यीशु का सामर्थ्य उसे भस्म कर रहा है। बोलिए, यीशु तेरी स्तुति हो।
अपने मुंह खोलकर यीशु की स्तुति कीजिए। कुछ लोगों में से दुष्ट आत्माएं बाहर निकल रही हैं। बिल्कुल भी मत डरिए, मत डरिए। वो दुष्ट आत्माओं की क्रियाओं को मिटाया जा रहा है। यीशु तेरी स्तुति हो, बस इतना कहिए। यीशु के लहू में सामर्थ्य है, यीशु के लहू में सामर्थ्य है। बस ऐसा कहते रहिए, यीशु के लहू में जय है, यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में दुष्ट का बंधन टूट रहा है। आज से आप लोग एक बदलाव को देखेंगे, एक बहुत बड़ा छुटकारा इन्हें दीजिए पिता। हर एक लोग इस छुटकारे का अनुभव करें, छुटकारा हुआ है। परमेश्वर उनकी परेशानियों का एक अंत हो जाने दे, हो जाने दे एक अंत। आज से उनकी समस्याओं का अंत हो जाने दे। अंत में आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना करेंगे। गर्भ का फल, अपने हाथों को अपने गर्भ की ओर कीजिए सभी बहनें। अगर पति आपके पास है तो दोनों हाथ मिला लीजिए, या अपनी माँ या अपनी सास के साथ मिलकर आप प्रार्थना कीजिए। गर्भ के फल की प्राप्ति के लिए प्रार्थना, विवाह में बाधा की समस्या को दूर करने के लिए, नौकरी धंधे के लिए दरवाजे खुल जाए, कर्जा चुकता हो जाए और गरीबी दूर हो जाए। हर जगह आप देख सकते हैं गरीबी छाई हुई है। कर्जों से छुटकारा पाकर हमारे घरों में आशीष आनी चाहिए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना, आशीष नौकरी धंधे पर, आशीष व्यवसाय में, आशीष पाने के लिए ब्लेसिंग प्रेयर। अपना दाया हाथ ऊपर कर लीजिए, हाथ ऊपर करके बोलिए, हे यीशु हमें आशीष दीजिए, हमारे परिवार पर आशीष हो, गर्भ के फल की प्राप्ति होने दे, नौकरी में आशीष, व्यवसाय में आशीष, कर्जे की स्थिति बदलने दे, गरीबी बदलने दे। यीशु के नाम को पुकारिए, यीशु के नाम को पुकारिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष भर जाने दे। आप लोग बोलिए, हे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके बच्चों को मैं आशीष देकर प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु कर्म के फल के प्राप्ति इन्हें चाहिए। इस आशीष के लिए प्रार्थना करने वाले हर एक परिवार में यीशु के नाम में गर्भ के फल की प्राप्ति हो जाने दे। बाधाएं सब टूट जाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएं, संतान की प्राप्ति हो और ये बच्चे खुशहाल रहें। इन्हें आशीष दीजिए, जरूर इन्हें ये आशीष चाहिए। यीशु के नाम में हम ये मांगते हैं। विवाह के सारे रुकावट दूर होकर तेरे बच्चों के विवाह होने दे। माता पिता के मन में एक असीम खुशी तू भर दे पिता। जिनकी नौकरी नहीं है उन्हें तुरंत तू एक नौकरी के लिए द्वार खोल दे। अद्भुत कार्य कर, आश्चर्य कर्म कर, अद्भुत कार्य के द्वारा खुल जाने दे यीशु के नाम में। बिजनेस में आशीष बनी रहे, जो भी इन्होंने खोया है उससे ज्यादा अधिक दुगनी आशीष से इन्हें भर दे। कर्जे की स्थिति दूर हो जाने दे, ये कर्जा लेने वाले नहीं देने वाले बन जाएं। उनके लिए एक आश्चर्य कर्म कीजिए पिता, यीशु के नाम में आशीष दीजिए। अपने खुद के घर के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें उनकी आशीष दे दे। जो लोग अपने परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके परिवार का उद्धार होने दे। परमेश्वर तेरे बच्चे जिस किसी आशीषों की मांग कर रहे हैं उन्हें उनकी आशीषें दे दे। आत्मिक आशीष, सांसारिक आशीष, यीशु मसीह के नाम में आशीष देकर उन्हें खुशहाल बनाए रख। तेरे स्पर्श के लिए स्तुति करते हैं, इन्हें आशीष दिया उसके लिए स्तुति करते हैं, इनके दुखों को आशीष में बदल दिया उसके लिए हम स्तुति करते हैं। और आज से इनके सारे शोक आनंद में बदल जाए, उस खुशी को ये महसूस करें। हर एक परिवार यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आशीषित हो जाए। परिवार के बड़े बुजुर्गों को आशीष दीजिए, बच्चों को भी आशीष दीजिए। पति पत्नी पर आशीष बनी रहे, नौजवान युवक युवतियों को आशीष बनी रहे, सभी पर यीशु मसीह के नाम पर आशीष बनी रहे। समाधान, आनंद, शांति घर में बनी रहे। तेरी आशीषों के लिए स्तुति स्तुति करते हैं। यीशु की स्तुति कीजिए, यीशु तेरी स्तुति हो। मेरे शोक को आनंद में बदल दिया, मेरे लिए आश्चर्य कर्म किया है, धन्यवाद परमेश्वर। ऐसा बोलिए, हालेलुया, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। मैं जल्दी से कुछ सूचनाएं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले, अगर आज आप लोगों ने यीशु का अनुभव किया है, हे यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अंतर मन में आए, ये ऐसा आपने कहा है, तो आपके लिए एक छोटी सी पुस्तिका उपहार के तौर पर, अब आप परमेश्वर की संतान हैं। यीशु का अनुभव करके क्या फर्क पड़ा है? धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, न ही आपके समाज को आपको छोड़कर दूसरे समाज में आना पड़ा, बस परमेश्वर का अनुभव किया है, प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर आई है बस। तो परमेश्वर के अनुभव के बाद कैसा जीवन होना चाहिए, तब ये पुस्तिका आपकी मदद करेगी। परमेश्वर के बच्चों की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, ये इसमें है। तो इनके बारे में ये पुस्तिका आपको एक आशीष ठहरेगी। और साथ ही अगर आप कहते हो कि यीशु के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे जानने की इच्छा है, उनके उपदेश में ऐसा क्या था और क्या क्या आश्चर्य कर्म उन्होंने किए हैं, अगर ऐसी किसी की इच्छा है जिनके पास बाइबल नहीं है, यीशु के बारे में अधिक जानने वालों को हम ये पुस्तिका आपको उपहार के तौर पर भेजेंगे। इसमें सुसमाचार है, सुसमाचार की पुस्तिका।
ये दोनों ही पुस्तिका हम आपको अवश्य भेजेंगे, और जिनके घरों में बाइबल है तो वो मात्र इस पुस्तिका को मंगा सकते हैं। अगर इस पुस्तिका की आपको जरूरत है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जानकारी दीजिए 8111071000 8110071000। इस व्हाट्सएप पर सैंड बुक ऐसा अगर आप भेजोगे तो हम ये पुस्तिका आपको अवश्य भेज पाएंगे। ऑनलाइन में भी आप इसे पढ़ सकते हो, और अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो हम पोस्ट में भेज देंगे, नहीं तो goodnews@jesusredeems.org में अगर आप हमें ईमेल करोगे तो हम आपको भेज पाएंगे। आज कई लोगों ने चंगाई पाई है, शांति पाई है, पाप से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, उठकर चलने फिरने लगे। परमेश्वर की स्तुति कीजिए, आप चंगे हो गए हो। आपकी गवाही आप हमें अवश्य बताइएगा ताकि हम भी उसकी स्तुति कर सकें। तो आप अपनी गवाहियों को हमारे इस ईमेल एड्रेस पर भेजकर अनुभव बता सकते हैं कि आपके जीवन में क्या आश्चर्य कर्म हुए हैं। तो अगर ये पुस्तिका पाना है तो हमसे संपर्क कीजिएगा। एक बात ध्यान रखिए कि प्रभु ने आपसे इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में मुलाकात की है। कई लोगों ने अपने हृदय में उद्धार के आनंद को पाया है। प्रभु की स्तुति हो, आपने छुटकारा पाया है, तब आप यीशु की स्तुति करते रहिए, और जितना हो सके आप यीशु का धन्यवाद कीजिए। अपने शरीर में आप बदलाव देखोगे, घर में एक बदलाव को देख पाओगे। तो जो आश्चर्य कर्म आपने पाया है उसके बारे में हमें अवश्य बताइएगा। तो हमने हमारा ईमेल एड्रेस आपको पहले ही बता दिया है, हमें जानकारी दीजिए। हम निरंतर आपके लिए प्रभु परमेश्वर की स्तुति करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु की आशीष आपके संग सदा बनी रहे। और एक बात, शनिवार और रविवार को आइए प्रार्थना करिए कार्यक्रम होगा, उसमें भी भाग लेने के लिए हम न्योता देते हैं। आपने जिस अद्भुत कार्य का अनुभव किया है हमें बताइए, और अब गवाही देना चाहते हो तो भी हमें बताइएगा। आपको मिले आश्चर्य कर्म के बारे में हमें प्रभु की स्तुति करनी है। परमेश्वर ने आपको भरपूरी की आशीषों से भरा है, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना के साथ खत्म करते हैं। हे पिता, तूने बहुत ही बढ़िया इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम को चलाया। मैं तो साधारण सा सेवक हूँ, मैंने अपना फर्ज निभाया है, परंतु सारी महिमा तेरी है। तूने हमारी अगुवाई की, तूने ही बातें की, तूने लोगों को स्पर्श किया, तूने ही छुटकारा दिया, चंगाई दी और आशीष दिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में स्तुति के साथ प्रार्थना करते हैं पिता, आमेन आमेन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमेन आमेन। परमेश्वर की आशीष आप में बनी रहे। आपका शोक आनंद में बदल चुका है, विश्वास के साथ अपने आश्चर्य कर्म को पाया है। निरंतर आश्चर्य कर्म की अपेक्षा में रहिए, वो सदा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आमेन। अब आप परमेश्वर के संतान है नाम की ये पुस्तक क्या मुफ्त में प्राप्त करना चाहते हैं? तो इसे प्राप्त करने के लिए संपर्क करें goodnews@jesusredeems.org। व्हाट्सएप नंबर है 8110071000, और फोन नंबर है 04639220000। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639-353535, info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.